Ignited Minds Tutorials has released a video on emerging modes of business for Class 12 OC as per Maharashtra State Board syllabus. The video provides a comprehensive explanation of the latest trends and techniques adopted by businesses to expand and reach a wider audience. These include e-commerce, mobile commerce, social commerce, and more. The video also covers the benefits of each mode of business and the challenges they present. With the constant evolution of technology and consumer behavior, it is essential for businesses to adapt to the changing landscape. Innovations like blockchain, artificial intelligence, and virtual reality are also discussed, highlighting the potential they hold for businesses in the future. The video goes on to discuss the importance of creating a digital presence for businesses and the various platforms available for the same. Overall, the video is a great source of knowledge for those studying commerce in Class 12 and seeking to gain insights into the emerging modes of business. Okay, people, we will start with this emerging modes of business. ठीक है, मंथन का ये नहीं है ना, ओसी नहीं है ना, तो तुम लोग में से कौन बोले आज? कोई भी नहीं, अरे वो कहाँ, उसकी गिनती कहाँ होती है रेगुलर में? ओके, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, आपके जो बिजनेसेस हैं उसके इमर्जिंग मोड्स, और यहाँ पे हम प्राइमरली जो ऑनलाइन मोड है उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, आजकल हर बिजनेस की एक जरूरत हो गई है ऑनलाइन मोड. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, आज से कुछ सालों पहले अगर आपको कहीं जाना रहेगा तो बाकायदा घर से उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा चल के आपको सर्कल तक जाना पड़ेगा जहाँ से आपको एक टैक्सी मिल सकता है या एक ऑटो मिल सकता है, वहाँ से आप जाएंगे जहाँ पे भी जाना रहेगा. दैट वॉज द मोड. आज की तारीख में घर बैठे आप ओला उबेर जिससे भी हो बुकिंग कर सकते हैं. सही मायने में ओला और उबेर के ऑफिस ही नहीं है. आपको लग रहा होगा कि भाई साहब कोई ऑफिस रहेगा जिसके चारों तरफ गाड़ियाँ गाड़ियाँ होंगी, ऐसा कुछ नहीं है. देर इज नथिंग लाइक दैट. घर से बैठ के भी उस चीज़ को ऑपरेट किया जा सकता है. ठीक है, ये पूरा लॉजिस्टिक्स जो है उसके लिए बहुत बड़े उसकी ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं कि वहाँ पे एम्प्लॉयज नहीं है, बट यू कैन नॉट इमेजिन एन ऑफिस वेर इन देयर थाउजेंड्स ऑफ फ्लीट्स ऑफ कार्स. ठीक है, और वहाँ से ये कार्स जाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, आपने एक कार खरीदा, आप उसको ओला में रजिस्टर करते हैं या उबेर में रजिस्टर करते हैं, और जैसे जैसे आपको बुकिंग मिलती रहती है आपके लोकेशन के हिसाब से आपको बुकिंग मिलती रहेगी, वैसा वैसा आपका धंधा चलता रहेगा. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एज अ ड्राइवर और एज अ कंपनी ओनर दोनों एक दूसरे को जाने ही ना, दे आर नॉट इवन अवेयर. अच्छा तुम ओला चलाते हो? हो सकता है वो ओनर हो, या हो सकता है किसी बड़े मैनेजमेंट पोजीशन में हो, या हो सकता है कंपनी का डायरेक्टर हो. बिजनेस के ऐसे रोल मॉडल्स अभी निकल रहे हैं. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस जो है तो वर्क फ्रॉम होम मोड में चले गए. ठीक है, वर्क फ्रॉम होम मोड में जब गए तो सबके मन में ये स्पेक्यूलेशन था कि यार घर बैठे ये लोग काम भी करेंगे या नहीं. ठीक है, सबको लैपटॉप्स प्रोवाइड किया गया या सबको सिस्टम्स प्रोवाइड किए गए, और घर बैठे वो काम हो रहा था जो एक्चुअली लोग ऑफिस में जाकर कर रहे थे. ठीक है, लेकिन ज्यादा करके देखा गया कि घर बैठे ज्यादा काम हो रहा है और क्वालिटेटिव काम हो रहा है, और अभी भाई साहब आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिल रहा है. यू आर गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. अगर आप ऑफिस में बैठ के 9 घंटा काम कर रहे हैं तो देखा जा रहा है कि घर में बैठ कर इंसान 12 घंटा काम कर रहा है, उसका ट्रैवलिंग टाइम बढ़ रहा है, उसका भाई साहब फैमिली के साथ जो टाइम है वो स्पेंड कर पा रहा है, तो इसलिए आपको काम पे ज्यादा दे पा रहा है. तो कंपनीज आर रनिंग एट अ प्रॉफिट. और आप देखोगे बड़े बड़े बिग साइज कंपनीज जो बड़े बड़े मॉल्स लेकर या बड़े बड़े एरियाज को लेकर ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने उन एरियाज को छोड़ दिया है. आज 5-3-4 साल से भाई साहब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है. ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम मोड से चल रहे हैं. पहले ये था कि भाई साहब इसको मॉनिटर कैसे करेंगे, एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं उसको मॉनिटर कैसे करेंगे. आज की तारीख में सब पॉसिबल है. ऑनलाइन जो आपके सारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है सब कुछ आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है या नहीं, कितना उसका फाइल्स था, उसने क्लियर किया है कि नहीं, सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं. सो इट इज बिकम वेरी इजी नाउ. ठीक है, तो बिजनेसेस के मोड्स जो है तो चेंज हो रहे हैं, और कंपनी भी सोच रही है कि भाई साहब एम्प्लॉय आएगा, भाई साहब उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, भाई साहब हमारा इतना बड़ा एक ऑफिस हमने ले रखा है उसका रेंट का खर्चा, कहें हम इतना खर्चा करें, इससे अच्छा भाई साहब एम्प्लॉयज को तो वही पीसी हमको एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे भी रखना है, यही पीसी उठा के उसके घर पहुंचा दो, क्या ही जाता है. ठीक है, उसका नेटवर्क वो संभालेगा, हम नेटवर्क का कॉस्ट उसको दे देंगे, उसका नेटवर्क इतना होना चाहिए कि हमारे से ये नहीं बोलना चाहिए अरे हमारे यहाँ पे नेट नहीं है,
ठीक है, तो कोई नौकरी छोड़ दो भाई साहब, नेट नहीं है तो नौकरी छोड़ दो सिंपल, ठीक है, या तो ऑफिस में आकर काम करो। तो एम्प्लॉय कैसा भी करके अपने आप को अपग्रेड करके वो करेगा, आप एम्प्लॉय को थोड़ा ज्यादा पैसा दे दो तो ये सारा पैसा बचेगा, ठीक है, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बिजनेसेस के मोड्स हैं वो धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। आप भाई साहब अगर एक टैक्सी ड्राइवर हैं और आप सारा दिन भाई साहब खड़े हुए, कभी सवारी चल के आएगी और सवारी बैठेगी और आप पर उसको लेकर जाएंगे, इट्स अ लॉस फॉर योर टाइम, ठीक है। लेकिन अगर आप ओला या उबेर ड्राइवर हैं, आप भाई साहब जो सवारी है उसको छोड़ नहीं रहे, उसके पहले दूसरा कॉल आ रहा है, आप पहुंच गए क्या, ऐसा देखोगे आप, ठीक है। आपने अगर उबेर या ओला में ट्रैवल किया रहेगा तो बहुत ही बार ऐसा देखोगे कि आप शायद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले उसके पहले ड्राइवर को कॉल आ गया। सो दे आर ऑलवेज इंगेज, इतना वो वेतक जाते हैं कि लास्ट में वो कैंसिल करने लगते हैं राइड्स, ठीक है, दे स्टार्ट कैंसिलिंग इट, मतलब और नहीं हो रहा है उनसे, इतना ज्यादा है। तो काम ज्यादा, ठीक है, और एफिशिएंसी ज्यादा, और आपके मोड्स जो बिजनेस के वो चेंज होते जा रहे हैं। द मोड्स ऑफ बिजनेसेस आर बेसिकली इवॉल्विंग एंड चेंजिंग, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। आज की तारीख, पहले भाई साहब आपको यू नो ब्यूटी पार्लर जाना है या भाई साहब सलून जाना है तो आप जाते थे, आज की तारीख में आप ऑर्डर करके किसी को बुला सकते हैं घर पे, ठीक है, दैट कैन बी डन एट होम इटसेल्फ, ठीक है, इनफैक्ट इंटायर वेडिंग करिकुलम कैन बी डन एट होम इटसेल्फ। तो ये सारी चीजें भाई साहब मोड्स ऑफ बिजनेस चेंज हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम घर बैठे बैठे पूरे महीने भर का राशन भी मंगा सकते हैं, कोई फैशनेबल चीज भी मंगा सकते हैं, दिस वॉज नॉट समथिंग विच वॉज पॉसिबल 20 years ago, बट लॉजिस्टिक्स द मोड्स ऑफ बिजनेस हैव चेंज ड्रास्टिकली, ठीक है। Amazon एज अ कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो वो बुक्स का लेन देन करती थी, उन लोग भाई साहब बुक्स को पहुंचाते थे घरों में, और आज देखिए भाई साहब ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपके घर तक Amazon ना पहुंचा पाए, या कोई भी लॉजिस्टिक्स कंपनी, ठीक है। सो द मोड्स ऑफ बिजनेसेस आर चेंजिंग, आप घर बैठे बैठे अगर कोई बिजनेस मैन है, आप किसी बिजनेस को करते हैं, आप ऑनलाइन, आपको अगर लग रहा है कि भाई साहब यार मेरे पास इतना नहीं है कि मैं कोई दुकान डालूं या दुकान रेंट पे लूं, हो सकता है मेरे यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यूज बहुत ज्यादा हो एंड दे आर आउट ऑफ माय रीच और नॉन अफोर्डेबल, नो वरीज, आप भाई साहब अमेजन में उसमें से पिकअप करवाइए, डिलीवर करवाइए, ठीक है। आप अमेजन से अपना धंधा चालू कर सकते हैं, घर बैठे आपके प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, अमेजन वाला लेकर जाएगा, भाई साहब जिसको देना जाएगा उसको देकर जाएगा, वहां से आपकी ऑर्डरिंग होगी, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, यू डोंट हैव टू वरी और रादर इन्वेस्ट, डू अ हैवी इन्वेस्टमेंट ऑन योर शॉप। तो पहले पहले आप इससे स्टार्ट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे पैसा बनता जाएगा, तो शायद शॉप डाल के बिजनेस करिए, ठीक है। सो दीज आर न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट आर क्रोपिंग अप एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अपडेट एंड अपग्रेड योर सेल्फ टेक्नोलॉजिकली। तो आप जितना टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो उतना ज्यादा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ तो मेरे बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं मुझे, तो जैसे पाइपिंग का काम, कहीं कहीं बहुत सारे फ्लैट्स में लीकेजेस हैं, ठीक है, तो कभी कभी अगर फ्लैट में लीकेज है तो क्यों है भाई साहब, ठीक है, उसका एक थर्मल टेस्टिंग का प्रोसेस होता है, तो मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऊपर से ही कि कहाँ पे एक्चुअली लीकेज हो रहा है, तो थर्मल टेस्टिंग वाला कुछ पैसे लेगा, फिर प्लम्बर आएगा उसको तोड़ेगा, उसी जगह पे तोड़कर उसको रेक्टिफाई करेगा। तो जो प्लम्बर था उसने मुझे बोला, सर आपने तो मेरे को बहुत सारा काम यहाँ पे दिलाया है, लेकिन मैं एक अनपढ़ गवार इंसान हूँ, ठीक है, और शुक्रिया आपका कि आपने काम दिलाया। मैंने बोला क्या शुक्रिया, मतलब इन लोगों का प्रॉब्लम चल रहा था, जिसको जो पैसा देना था तुमको दिया, इसमें मेरा कुछ लेना देना है नहीं। तो उसने बोला कि सर आज की, लेकिन उसने सोचा, ठीक है, वो मारवाड़ी था, तो सोचा उसने, उसने बोला कि सर ऐसा कर सकते हैं कि मेरे लिए कोई सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, यूट्यूब में हो या फेसबुक में हो या इंस्टाग्राम में हो, मेरा कोई प्रोफाइल बना सकते हैं क्या, मुझे नहीं आता ये सर। उसके पास आईफोन है, लेकिन मेरे पास भी नहीं, उसके पास आईफोन है, सर ये मेरा आईफोन है, चाहे तो आप रख लो इसमें, मेरे को प्रोफाइल बना कर दे दो, आप 2 दिन 5 दिन जितना दिन रखना चाहो रख लो और मेरे को प्रोफाइल बना कर दे दो। तो मैंने बोला हाँ भाई कर सकते हैं, तू वीडियोस निकाल कर भेज मेरे को, जहाँ जहाँ भी काम किया है तूने, जो जो भी काम किया, बोला ये देखो भाई साहब ये काम है, मैंने बना दिया। और उसके बाद से उसको इतने कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि ये हर बिल्डिंग की समस्या है, ठीक है, ये कोई मतलब नया चीज़ नहीं है, बिल्डिंग तो बना देते हैं लोग, लेकिन उसके बाद भाई साहब कहीं पे पाइप फट गया है, कहीं से पाइप का लीकेज है, ये दो ऊपर वाला नीचे वाला भाई साहब झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा सुलझ नहीं रहा है, ठीक है। 10-12 हज़ार में ये चीज़ को रेक्टिफाई किया जा सकता है, और आज की तारीख में भाई साहब वो इतना कॉल्स उसको आ रहा है, वो बोल रहा है कि सर कोई असिस्टेंट मिलेगा क्या जो मेरे कॉल्स को हैंडल कर सके, इतना कॉल्स आ रहा है कि मुझे मतलब किसको क्या ही जवाब दूं मैं, कभी कभी मैं बोल देता हूँ मैं बेलापुर में हूँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं अपने साइड पे हूँ, मैं बोल देता हूँ
कि आ रहा हूँ आ रहा हूँ, क्या कि कॉन्ट्रैक्ट जाए ना मेरे हाथ से। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो बंदा जो एक्चुअली काम ढूंढ रहा था, आज उसके पास इतने काम आ रहे हैं कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। ही हैज टू इंक्रीज। मैंने बोला देख भाई साहब, अगर तेरे पास वॉल्यूम आ रहा है काम का, मैंने तेरा नंबर वहाँ पे अपडेट कर दिया है, लोग तेरे को कॉल करेंगे, लोग तेरे को कॉल करेंगे, क्योंकि ये समस्या है भाई साहब, हर बिल्डिंग में समस्या है, हर एरिया में ये समस्या है, बहुत कॉमन समस्या है, ठीक है। और इसको मतलब करने वाले लोग कम हैं, फिलहाल करने वाले लोग कम हैं, ठीक है। जो लोग भी प्लम्बर्स होते हैं भाई साहब, वो ज़्यादा करके नए बिल्डिंग्स को अप्रोच करते हैं, लेकिन ये जो चिंदीगिरी का काम है भाई साहब, इसमें कोई हाथ नहीं डालता है, क्योंकि भाई साहब ठीक करने में काफ़ी सारा तोड़म तोड़ी होता है, काफ़ी सारा मतलब इरिटेशन होता है लोगों को, जो भी है थोड़ा सा इरिटेटिंग काम है, लेकिन पैसा आएगा। तो ये मैं उसको बोल रहा हूँ, अभी तुम अपनी टीम का साइज बढ़ाओ भाई साहब। अगर तुम्हारे पास चार लेबर थे कल, आज तुम उसको भाई साहब 10 करो, 10 से 20 करो, तभी तो बढ़ेगा ये। तो जैसे जैसे तुम्हारा कॉल जाता जाएगा, वैसे वैसे तुमको तुम क्यों जा रहे हो उसमें, तुम मतलब यहाँ पे 4 लोगों को लगाओ, यहाँ पे 2 लोगों को लगाओ, यहाँ पे 3 लोगों को लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे बिजनेस बढ़ेगा। मुद्दा ये है, या मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ वो ये है कि जिस चीज पे उसको घर घर जाकर करना पड़ रहा था, या जान पहचान से जो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट 10 गुना हो गया, जस्ट बाय अपडेटिंग हिज वर्क ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ही इज गेटिंग दैट मच ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। इतना ज्यादा रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है। अभी तो मैंने उसके लिए ऐसा सिर्फ एक इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया में एक यूट्यूब में अकाउंट खोला है, बस और कुछ नहीं किया है। अगर मैं आपके फनल्स की बात करूं, फनल्स मतलब जैसे अगर आप सोशल मीडिया नेटवर्किंग में अगर बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो जैसे सिर्फ जो मतलब कामोटे के अकाउंट होल्डर्स हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में, उनको ही ये देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे और ज़्यादा धंधा बढ़ेगा। अभी क्या हो रहा है, उसको भाई साहब मुंबई से भी कॉल आ रहा है, उसको भाई साहब थाना से भी कॉल आ रहा है, जो उसके लिए संभव नहीं है, ठीक है। और उसमें से एक का कॉल न्यू मुंबई में मिल रहा है उसको। इसको अगर और चैनलाइज करना है तो सेल्स फनल बोलते हैं हम इसको, और ज़्यादा नैरो डाउन करेंगे अगर हम, तो कामोदे में जितने अकाउंट होल्डर्स हैं उन पे ही सिर्फ हो, या उनके ग्रुप्स में ही इसको ये इसका मैसेज जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेसेस आर चेंजिंग, ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अडैप्ट आवरसेल्फ्स इनटू द इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। ओके, सो ये तो भाई साहब आपका करिकुलम हो गया, जैसा जैसा आया इंट्रोडक्शन। द टर्म ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म्स ईमेल एंड ई कॉमर्स। I hope everybody knows what is e-commerce. E-commerce मतलब आप समझते हैं जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। E-commerce में मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चलते अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कस्टमर के डोरस्टेप तक पहुँचा रहे हैं। Is Ola an example of e-commerce? Yes, it is. Is Uber an example of e-commerce? Yes, it is. Is Flipkart, Amazon, Mitra वगैरह everything is an example of e-commerce? जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज किया है, किसी भी एक्सटेंट तक यूज किया है, वो एक ई कॉमर्स का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट बिजनेस, विल बी अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे एक मिल्क कंपनी है कंट्री डिलाइट बोल के, ठीक है, और इन लोग भाई साहब मतलब फेसबुक एड से, व्हाट्सएप से भाई साहब अलग अलग तरीके से आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। आपने भाई साहब क्लिक किया, ऑर्डर किया, घर पे आ गया। इज दिस एन ई कॉमर्स बिजनेस? यस इट इज, ठीक है। ओके, इट मींस यूजिंग द इंटरनेट टू कनेक्ट पीपल एंड प्रोसेसेस। तो आप लोगों को और प्रोसेसेस को इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आज की तारीख में बहुत पावरफुल है ये, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। आपके लिए सर्वाइव करना डिफिकल्ट होगा, या आपके लिए एक्सपैंड करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर बिजनेस टू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने बिजनेस को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, लेकिन एक दिन आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। मतलब आपको शुरुआती तौर पर लगेगा भाई साहब कि नहीं मिल रहा है, बट देयर विल बी अ डे। आप डिपेंड करता है भाई साहब आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। सो कौन सा बिजनेस कर रहे हो और किस तरह से उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लेकर जा रहे हो, ठीक है। ओके, सो इट यूजेस वेब, इंटरनेट, इंट्रानेट्स, एक्स्ट्रानेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, ठीक है। ई बिजनेस हैज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द वे बिजनेस इज डन। भाई साहब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जहां पे 100% ई बिजनेस है, ठीक है। आपका जैसे ओला उबेर तो एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे बहुत सालों तक ओला उबेर का कोई ऑफिशियल एड्रेस ही नहीं था, देयर इज नो एड्रेस। पेटीएम का कोई ऑफिशियल एड्रेस नहीं है,
ठीक है, आपका जीपी का कोई ऑफिशियल एड्रेस नहीं है, दीज आर रूम बैंकिंग वेबसाइट्स बेसिकली, आप एक दूसरे से भाई साहब पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, इनमें कुछ नहीं है भाई साहब, देयर इज नथिंग, ठीक है। सो इतना बड़ा जो बिजनेस सेटअप्स हैं, ये सारे के सारे भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं भाई साहब, दे आर ऑल वर्किंग ऑन एन ऑटो पायलट मोड। ई बिजनेस इज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन विच द बिजनेस इज डन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप आज भाई साहब बिजनेस के बारे में अगर सोच रहे होंगे, तो आपको जैसे बहुत सारे लोग आप में से शायद आज की तारीख में सोच रहे हैं कि जैसे हम पढ़ाई कंप्लीट करेंगे कोई स्टार्टअप बिजनेस डालेंगे, वॉट एवर यू हैव इन माइंड, ऑलवेज कीप योर ई बिजनेस ऑप्शंस ओपन। आप भाई साहब पैरेलली ये सोचते रहिए कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए यूज करेंगे, अपना बिजनेस हो, अपना सर्विस हो, जो भी आप कर रहे हो, उसको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूज करिए, पैरेलली ये थिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस के लिए, लॉजिस्टिक्स पर्पसेस के लिए, मार्केटिंग पर्पसेस के लिए, तमाम चीजों के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू अ पैरेलल थिंकिंग अबाउट दैट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ई बिजनेस इज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन विच द बिजनेस इज डन, ठीक है। इट हैज कनेक्टेड, अडैप्टेड एंड इंटीग्रेटेड द आईटी सिस्टम्स, ठीक है। ये भाई साहब आईटी सिस्टम्स को अभी जैसे समझ लो, आप में से तो कोई साइंस नहीं लिया, लेट्स से यू आर अ डॉक्टर, लेट्स से यू आर अ डॉक्टर, कैन यू यूज ई बिजनेस? मेरी मॉम को चलने को नहीं होता है, ठीक है, शी कैन नॉट वॉक, उनका दो बार नी रिप्लेसमेंट हो गया है, मतलब दो बार नी रिप्लेसमेंट एक बड़ा ऑपरेशन है, ठीक है। सो अभी थर्ड बार वो पॉप अप कर पाएंगी कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो अभी अपन उनको लेकर जाते हैं, अगर मैं उनको वाकई में किसी भी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाता हूँ, तो मेरे को कम से कम 3,000 रुपये का वो लगता है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में, फिर डॉक्टर आएंगे देखेंगे, वो सब अलग बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब कैन आई गो ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक चैट विद अ डॉक्टर, भाई साहब लाइव, मतलब वो डॉक्टर भी हैं और कंसल्टेशन हो रहा है ई प्लेटफॉर्म पे ना, भाई साहब मेरे को उनको कहीं पे ले जाने का झमेला, मतलब अभी वो चल नहीं पा रही है तो उनको उठाना पड़ेगा, फिर उनको गाड़ी में बिठाना पड़ेगा, ये भी तो भाई साहब एक वो है ना, मैंने ओला उबर बुक कर लिया, फिर पैसा भी है। अगर उस पैसे को अवॉइड करते हुए कंसल्टेशन चार्जेस अगर मैं पे कर रहा हूँ ऑनलाइन, और डॉक्टर भाई साहब आकर मतलब देख रहा है क्या है और सजेस्ट कर रहा है व्हाट विल बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, वुड दैट बी अ फीजिबल ऑप्शन फॉर मी? यस इट विल बी, ठीक है, क्योंकि उनको उठाकर लेकर जाना भी तो मेरे लिए एक एक प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। सो कैन आई डू दिस? तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब सिर्फ धंधा करने के लिए ही या बिजनेस करने के लिए ही आप ई प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, आप सर्विसेज को अवेल करने के लिए भी, एक डॉक्टर के सर्विसेज को, एक लॉयर के सर्विसेज को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्विसेज को, एक जिम ट्रेनर के सर्विसेज को, ठीक है, एक न्यूट्रिशन या डाइट प्लानर के सर्विसेज को, इन सारी चीजों को आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में अवेल कर सकते हैं, ठीक है। सारे कंसल्टेशन को आप भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में आज की तारीख में अवेल कर सकते हैं। एक दिन आएगा कि आपको शायद घर से बाहर ही ना निकलना पड़े, ठीक है, इट विल बी सच एन एनवायरमेंट इज बीइंग क्रिएटेड कि आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े, ठीक है, सच एन एनवायरमेंट इज स्लोली गेटिंग क्रिएटेड, ठीक है। पहले एक जमाना था भाई साहब, हम कोई पिक्चर आती थी तो मूवी देखने जाते थे दौड़ के, आज की तारीख में देखो भाई साहब मूवीज थिएटर्स आर रनिंग शॉर्ट ऑफ पीपल, दे आर नॉट एबल टू सेल दैट मच ऑफ टिकट्स, चाहे मल्टीप्लेक्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी हिट मूवी क्यों ना हो, ठीक है, बिकॉज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपके इतने आ गए, सब लोग बैठ के भाई साहब अपना पर्सनल एनवायरनमेंट में, अपने पर्सनल स्कोप में चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। सो नोबडी इज ट्राइंग टू, क्योंकि सबको मालूम है कि भाई साहब घर से निकले तो भाई साहब नहीं नहीं करके आपका 100-150 रुपए जाएंगे, भाई साहब अपनी गाड़ी हो या भाई साहब ओला उबेर बुक करें, फिर वहां पे जाएंगे भाई साहब, वहां पे टिकट लेंगे, उसका 150-200 रुपए जाएगा, फिर भाई साहब टिकट लेंगे तो भाई साहब पॉपकॉर्न भी लेना ही पड़ेगा, उसमें 300 रुपए चला जाएगा, नहीं नहीं करके 1,000 रुपए का फटका बैठ जाएगा दो लोगों के बीच, ठीक है, 1,000 से ज्यादा ही, 900 रुपए में आपका अमेजन का सब्सक्रिप्शन आ जाता है भाई साहब, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आ जाता है, पूरे साल भर देखो इतनी मूवीज और सीरीज हैं कि देख के खत्म नहीं कर पाओगे, है ना, और वो भी अपने पर्सनल स्पेस पे। सो पीपल आर नाउ अडैप्टिंग टू दीज चेंजेस, ठीक है। सो वेरी सून योर एंटरटेनमेंट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली सोलो, हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, बड़ा सोलो एंटरटेनमेंट हो जाएगा वो सारी चीजें, अगर आप पेरेंट्स के साथ बैठ के जो नहीं देख सकते थे, ठीक है, या अनकंफर्टेबल महसूस करते थे, आज की तारीख में भाई साहब एक कोने में बैठकर आराम से देख सकते हैं, है ना। सो वो सारी चीजें जो सेंसरशिप ने बैन करके रखी थी, नाउ यू हैव एन एक्सेस टू दोस थिंग्स, सो लाइफ इज बिकमिंग दैट, ठीक है। सो इट हैज बीन कनेक्टेड अडैप्टेड टू द आईटी सिस्टम्स इन मेकिंग इट पॉसिबल फॉर द कंपनीज टू मैनेज देयर बिजनेसेस एफिशिएंटली,
ठीक है। सो ये सारे बिजनेसेस जो है वो आपके एफिशिएंटली, आपके आज की तारीख में मूवीज पहले बनती थी थिएटर में रिलीज होने के लिए, आज की तारीख में मैक्सिमम मूवीज बन रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में रिलीज होने के लिए। नेटफ्लिक्स उसको बाय आउट करेगा या अमेज़न उसको बाय आउट करेगा, जो भी बाय आउट करेगा वो पैसा कमाएगा उसमें, है ना। सो आज की तारीख में म्यूजिक जो आपका जो भी सारी चीजें बन रही है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में रिलीज होने के लिए बन रही है ज्यादा करके, ठीक है। ओके, सो ई बिजनेस ऐसा भी सोचा जा रहा है बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ डिक्लाइन इन दीज मूवी थिएटर्स दैट दे आर प्लानिंग टू न्यू वेज नाउ। जैसे पीवीआर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है या करने के फिराक में है, जहां पे आपको जो उनके स्क्रीन्स हैं उसमें क्लासेस होंगे, लेक्चर्स होंगे, ठीक है। मतलब कोई बहुत बड़े लेक्चर्स, जैसे समझ लो जो लोग मेडिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट गिरता है, इंजीनियरिंग का कुछ चीज बहुत डिफिकल्ट गिर रहा है, सीए का कुछ चीज बहुत डिफिकल्ट गिर रहा है, इन सब लेक्चर्स को वहां पे लाइव कंडक्ट करवाया जाएगा और आप बेसिकली एज एन ऑडियंस और एज स्टूडेंट उसको देखेंगे, तो हर लेक्चर का 150-200 रुपए जो भी होता है वैसा होगा। सो दैट इज व्हाट दे आर प्लानिंग, बिकॉज अभी वैसा हॉल्स खाली हैं, ठीक है, इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं, उनका खर्चा नहीं उठ रहा है वैसा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग टू स्विच ऑन वेरी सून, द पीवीआर स्क्रीन्स आर बीइंग गोइंग टू बी यूज फॉर दिस, ठीक है। ओके, सो दैट्स हाउ डायनेमिकली थिंग्स आर चेंजिंग। इट हैज ओपन्ड अप न्यू पाथ्स टू कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड। इट हैज ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट मोर क्लोजर एंड रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप विद पार्टनर्स, एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स, ठीक है। तो ई जो प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ज्यादा क्लोजर और रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप हो गया है। आज की तारीख में भाई साहब फोन पे इतनी सारी बातें हो जाती हैं कि आपको पर्सनली मतलब इतना ट्रैफिक में जाकर हाई मारी में किसी को मिलना नहीं पड़ता है, ठीक है। सारी बातें भाई साहब डिटेल में डिस्कस हो जाती हैं, ठीक है। रिलेशनशिप विद पार्टनर्स, एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स, तो बहुत मजबूत होता जा रहा है धीरे धीरे ये कनेक्शन, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाई साहब बैठे बिठाए आपको ओवरसीज कनेक्शन भी बड़ा आसान है। आप भाई साहब बैठे बिठाए यहाँ पे किसी के साथ यूएस में या दुबई में चैटिंग कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। दीज थिंग्स हैव बिकम वेरी वेरी इजी, ठीक है। ओके, तो काफी इजी होता जा रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन बिजनेस हाउसेस। इट मेक्स परचेजिंग इजियर फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। काफी इजियर हो जाता है आपका परचेजिंग। इट हैज मेड इट पॉसिबल टू इन्वेंट न्यू एंड इनोवेटिव वेज टू एड वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विदाउट एडिंग टू द कॉस्ट, ठीक है। तो आप बहुत सारे नए इनोवेटिव वे से आप अपने प्रोडक्ट्स पे और सर्विसेज पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली इंक्रीजिंग द कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारे, जैसे अगर आप देखोगे अमेज़न पे जो चीजें दिखती हैं और एक्चुअली में जो चीजें आपको मिलती हैं थोड़ा बहुत फर्क होगा उसमें, ठीक है। तो इतनी अट्रैक्टिव क्यों दिख रही हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही फोटो से उठाया गया है, उसका फोटो जो आप क्लिक करते हैं तो उस तरह से आपका भाई साहब उसको लिया गया है कि वो अट्रैक्टिव दिखें, ठीक है। ये तो सब बिजनेस हाउसेस का ही है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करते हो। जैसे आपको अगर कोई पैम्पलेट आता है ऑनलाइन तो बहुत हाईलाइटिंग वाला रहेगा, है ना, बहुत फैंसी वाला रहेगा ताकि आपका इमीडिएट अटेंशन वो ग्रास्प कर सके, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एडिंग वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एडिंग वैल्यू टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। द इंटरनेट एंड द वेब प्रोवाइड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस लाइक सेलिंग, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप आराम से, भाई साहब आपने कोई प्रोडक्ट लिया उसका फीडबैक आप दे सकते हैं, आप किसी होटल में गए उसका रिव्यू आप लिख सकते हैं, ये सारे तमाम चीजें हैं। आप देखोगे ज्यादा करके लोग ऑनलाइन पे जब चीजों को खरीदते हैं, चाहे अमेज़न के प्लेटफॉर्म को या जो लोग एक्चुअली रियल बायर्स हैं, वो रिव्यूज देखेंगे कि जिन लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को लिया है उनके रिव्यूज क्या क्या हैं, ठीक है, व्हाट आर देयर पॉजिटिव रिव्यूज, कितना भाई साहब रेटिंग मिला है इस प्रोडक्ट को, फिर बेसिकली वो उस चीज को चूज करेंगे। सो कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करना है, इस रिव्यू को मेंटेन करने के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी के लिए एकदम ए क्लास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना, सारे प्रोडक्ट विदाउट एनी डिफॉल्ट और डिफेक्ट हो, ये संभव नहीं है। लेकिन हर एक कंपनी के लिए कस्टमर को रिलेशनशिप में मेंटेन करना ये संभव है, ठीक है। सो कस्टमर रिलेशनशिप हर एक कंपनी मेंटेन करने की कोशिश करेगा ताकि उसका रिव्यू खराब ना आवे और यही रिव्यू उसके सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। सर्विस डिजाइन, प्रोडक्ट सर्विस डिजाइन, यूजर सपोर्ट, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन। तो ज्योग्राफिकली एक्सपेंड हुआ है भाई साहब, आप बहुत ही सारी ऐसी चीजों को अमेज़न पे पाएंगे जिसको आप एक्सपोर्ट से करा रहे हैं, मतलब इंपोर्ट करा रहे हैं। बेसिकली इंपोर्ट प्रोडक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल एट अ नॉमिनल प्राइस फ्रॉम अमेज़न, ठीक है।
तो ये है भाई साहब आपका लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। इतना भाई साहब लॉजिस्टिक्स जो है आपका सब ऑनलाइन इंटीग्रेटेड है, ठीक है। आपका जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, जितने भी आपके लॉजिस्टिक्स कंपनी फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह हो गया, ये तो हो ही गया, ओला उबेर, ये सब भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत स्ट्रांगली यूज करते हैं, ठीक है, दे यूज इट वेरी स्ट्रांगली। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज क्वाइट वास्ट, इट कवर्स अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट सच एज ऑनलाइन शॉपिंग एज वेल एज ऑनलाइन स्टॉक ट्रांजेक्शंस अदर ट्रांजेक्शंस। ऑनलाइन शॉपिंग तो मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, शेयर के जितने भी आपके ट्रेड्स होते हैं वो भी आप ऑनलाइन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैठे बैठे आप भाई साहब आपका अगर डीमैट अकाउंट है किसी भी शेयर को उठाकर आप बेच सकते हैं, किसी भी शेयर को आप खरीद सकते हैं, ठीक है। सो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आर एब्सोल्युटली इजी, ठीक है, ओके। ऑल मेजर बिजनेस फंक्शंस सच एज प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा भाई साहब ऑनलाइन में मैनेज हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन को भी आप ऑनलाइन में मैनेज कर सकते हैं, जैसे समझो कि भाई साहब मेरा कोई कंपनी है और आप लोग मेरे एम्प्लॉयज हैं, तो आप सब लोगों को मैंने टास्क असाइन कर दिया ऑनलाइन, ठीक है। आपको भाई साहब जाने से पहले मुझे बताना पड़ेगा जिस टास्क को मैंने आपको असाइन किया उसका कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। आइडियली इट शुड बी 100%, बट इवन इफ 80% इज कंप्लीट तो आप उसका अपना टास्क अपलोड कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया भाई साहब, प्रोडक्शन को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ बैठे बिठाए भाई साहब प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर आपने भाई साहब 30% काम ही कंप्लीट किया है तो कल जब आप आओगे तो मैं रेडी रहूंगा, है ना। तो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। प्रोडक्शन को हम कंट्रोल कर रहे हैं बैठे बिठाए, फाइनेंस को आप कंट्रोल कर रहे हैं। हाउ कैन यू डू बेसिकली फाइनेंस, आप बैठे बिठाए भाई साहब बैंक लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैठे बिठाए भाई साहब आप ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस हो गया भाई साहब, मार्केटिंग, आप मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आज की तारीख में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर किसी प्रोडक्ट को आपने लॉन्च किया और उसको वायरल करवा दिया कैसा भी करके, बस फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है, अगले 3-4 महीने तो आराम से आप भाई साहब उसमें कमा सकते हैं, ठीक है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, आपका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये तमाम चीजें हैं जो आप ई बिजनेस से बाकायदा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ई बिजनेस के डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, सारा सब कुछ भाई साहब आप ई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कंट्रोल कर सकते हैं। आप ऐसे ऐसे कंपनीज में अगर आप समझेंगे, आप इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप अपना एडुकेशन कंप्लीट करें 3-4 साल कम से कम आपके माइंड में अगर स्टार्टअप का आइडिया हो भी, तो माई एडवाइस इज ऑलवेज वर्क इन अ बिग कंपनी। आप जब बड़े कंपनीज में काम करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि कैसे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यू लॉन्च योर ओन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। बट फॉर द स्टार्टअप यू नो वेट फॉर अ वाइल एंड गेन सम अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आप देखेंगे कि बड़े सिस्टमैटिक तौर से वहां पे काम होता है। जैसे समझ लो आपको अगर डिफरेंट मैनेजर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारा कुछ भाई साहब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। हर लेवल के एम्प्लॉय के लिए टास्क असाइन होता है, ठीक है, और वो टास्क उसको कंप्लीट करना रहता है विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम टैट बोलते हैं, ठीक है। वो भाई साहब कोई और दूसरा चेक करता है कि भाई साहब वो ठीक से हुआ है या नहीं, और फिर उसके ऊपर रेटिंग्स होती है। ये सारा ऑनलाइन चल रहा है भाई साहब, ठीक है, ये सारा का सारा आपका ऑनलाइन चल रहा है, ओके। कम्युनिकेशन बिटवीन बिजनेस हाउसेस ऑनलाइन अगेन, ठीक है। ई बिजनेस, द वाइड स्कोप ऑफ ई बिजनेस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाई एग्जामिनिंग द लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पे लोग इन्वॉल्व हैं। अगर किसी कंपनी में काम करेंगे तो आपको सैलरी आ जाएगी 1 तारीख को 1 तारीख 2 तारीख जैसा उनका है भाई साहब। ये सैलरी कैसा, कोई आपके पास पैसा लेकर आ रहा है, आपके बैंक में लेकर भर रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, उनके पास भाई साहब सैलरी आता है, बैंक उस सैलरी को एक बटन में रिलीज कर देता है भाई साहब। एक बटन मारेगा और सबको वो सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, सबके अकाउंट में वो सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। तैयार ही रहता है वो पूरा डेटा तैयार रहता है, आपका पूरा मंथ का अर्निंग तैयार रहेगा, बैंक सिर्फ एक बटन दबाएगा और सारा सैलरी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, और आपको फटाक से मैसेज आएगा। तो ये भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ही हो गया, ठीक है। सो थिंग्स हैव गॉन इजी। पहले के जमाने में क्या होता था भाई साहब, आपको चेक दिया जाता था। अभी आप भाई साहब चेक लेकर जाओगे अपने बैंक में जमा करने, छुट्टी नहीं मिल रही है, फिर भाई साहब कब वो 3-4 दिन लगेगा उसको आने में, सो इट विल टेक सम टाइम। बट राइट नाउ इन एनी कंपनी दैट यू वर्क विद, ऑब्वियसली द अमाउंट डायरेक्टली गेट्स अकाउंटेड टू योर अकाउंट, ठीक है, ओके। वेरियस बिजनेसेस एंड पेमेंट एप्स पॉपुलरली यूज इन ई बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फोन पे, गूगल पे एक्सेट्रा, इन सबसे तो आप वाकिफ होंगे ही।
और इसने इन पेमेंट ऐप्स ने लाइफ को बड़ा सिंपल बना दिया है, क्योंकि ये पेमेंट ऐप्स आपके पेमेंट झटाझट कराते हैं और पेमेंट होता है तो भाई साहब बिजनेस चलता है फटाफट, ठीक है। ओके, अ फर्म इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस एंड नेटवर्क एक्सटेंड्स इन टू सिक्स डायरेक्शंस। बिजनेस टू बिजनेस एक होता है, बी टू बी बोलते हैं हम इसको, बिजनेस टू कंज्यूमर दैट इज बी टू सी, ठीक है, कंज्यूमर टू बिजनेस दैट इज सी टू बी, एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर दैट इज सी टू सी, ठीक है। ओके, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज बी टू ए, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज सी टू ए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, द टर्म ई बिजनेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बी टू बी मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, एनी आइडिया? ओके, सो बिजनेस टू बिजनेस है भाई साहब, यहाँ पे कंज्यूमर का कोई रोल नहीं है, जो एंड कंज्यूमर है या जो कस्टमर है इसका कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस में हो रहा है। समझ लो आपका भाई साहब एक बिल्डिंग बन रही है, तो अभी आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो बिल्डर है इनके बीच में चल रहा है, फ्लैट जो लेने वाला है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये इन दोनों का डीलिंग चल रहा है, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू कंज्यूमर, वही फ्लैट को जब हम किसी कस्टमर या कंज्यूमर को सेल करने जाएंगे तो वो डील क्या हो जाएगा, बी टू सी हो जाएगा, ठीक है। कंज्यूमर टू बिजनेस ये कैसा है भाई साहब, सी टू बी, कंज्यूमर टू बिजनेस, तो कंज्यूमर एक फीडबैक दे रहा है या कंज्यूमर कोई कंप्लेन रेज कर रहा है या कंज्यूमर भाई साहब बिजनेस को किसी कारण के बस मतलब अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सी टू बी। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, हाँ, ओएलएक्स, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। ओके, सो ओएलएक्स इज यस, रीसेल का जो मार्केट है पूरा भी, आपका जितना भी रीसेल का मार्केट है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, चाहे रीसेल ऑफ फ्लैट हो, चाहे भाई साहब आपका रीसेल ऑफ पुरानी गाड़ियां हो, पुराने आर्टिकल्स हो, तो एक कंज्यूमर ने कुछ टाइम तक उसको यूज किया है, मे बी ही इज इन नीड ऑफ अनदर न्यू प्रोडक्ट, और मे बी ही इज टायर्ड ऑफ दिस प्रोडक्ट, और मे बी ही वॉन्ट्स टू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस ऑल टूगेदर, तो वो सेल करेगा। तो यस, ओएलएक्स इज अ प्लेटफॉर्म वेर इन यू कनेक्ट सी टू सी, गुड आंसर। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, बी टू ए, गुड, ठीक है। तो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपके एडमिनिस्ट्रेशन टैक्सेस पे करने के लिए, ठीक है, और भाई साहब कोई बेनिफिट या कोई सब्सिडी क्लेम करने के लिए, गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज निकालती है बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस पे, तो रिबेट्स मिलते हैं, ठीक है। आप कोई बिजनेस अगर कर रहे होंगे तो उसमें सब्सिडी रहेगा, उसमें रिबेट्स रहेंगे इनको क्लेम करने के लिए, प्लस आपका टैक्सेस फाइल करने के लिए, ये सब आपका हो गया भाई साहब बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, जब कंज्यूमर भाई साहब आपका एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर खुद के टैक्स के लिए, ठीक है, खुद के सर्विसेज के लिए, खुद के बेनिफिट्स के लिए जब एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करता है, हाउ डू यू नो अबाउट दीज थिंग्स, तुम लोग को मालूम कैसे है? प्रीलिम्स हुआ था इसलिए, ओके, ठीक है, ओके, नहीं मतलब किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा था क्या? नहीं, इसी में, ओके। द टर्म ई बिजनेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इट यूजेस वेब, इंटरनेट, इंटरनेट्स, एक्सट्रानेट्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ फॉर कंडक्टिंग बिजनेस, ठीक है। द वेरियस टेक, क्यों भाई साहब फिर से क्यों आ गया? ओके, बिजनेस टू बिजनेस भाई साहब क्या हो जाएगा, बिजनेस हैपेंस बिटवीन टू बिजनेस एंटिटीज, दोनों जो दो लोग हैं या दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं वो दोनों भी भाई साहब धंधे करने वाले पार्टी, ठीक है, तो बिजनेस टू बिजनेस हो गया ये, बी टू बी बोलेंगे। नो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पे कंज्यूमर का कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर में भाई साहब जो भी लेन देन चल रहा है ये बी टू बी हो गया, है ना, किसी बिल्डिंग को आपने किसी पर्पसेस के लिए भाई साहब कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर में जो चल रहा है, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका बी टू बी। ओके, देयर इज नो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स दैट आर इन्वॉल्व, सिंस बोथ अ बायर एंड सेलर आर बिजनेस फर्म्स द नेम इज रेफर टू बी टू बी, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस फर्म्स एंड कंज्यूमर, ठीक है, तो बिजनेस फर्म्स और कंज्यूमर मतलब एंड यूजर के पास से बिजनेस फर्म का डीलिंग हो रहा है, वही कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी कस्टमर को वो फ्लैट बेचने जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे बी टू सी ट्रांजैक्शन, ठीक है, यहाँ पे बी टू सी ट्रांजैक्शन बोलेंगे। यहाँ पे शायद बिल्डर बीच में ना आए, ठीक है, शायद बिल्डर बीच में ना आए, यहाँ पे भाई साहब कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर ही बेच रहा हो या कॉन्ट्रैक्टर ही बेच रहा हो जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब ये हो रहा है कंज्यूमर, डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ डील कर रहे हैं। इट हैज बिजनेस एंटिटीज एट वन एंड एंड द कंज्यूमर्स एट द अदर। The firms make use of their websites for marketing their product or service. Example, Flipkart, Amazon, Mitra, जो भी है, ठीक है? Consumer to business. Consumer requests for a specific service from business firms and quotes the price he is willing to pay for the sum. He posts his request for specific service online with a budget. ठीक है? तो consumer to business क्या होता है? जैसे जब आप अभी OLX की बात कर रहे थे, ठीक है? तो let's say
आई एम लेट्स से टीचर और रादर अ कोचिंग क्लास ओनर, तो मुझे टीचर्स की जरूरत है, तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे OLX पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर मेरा रिक्वायरमेंट पोस्ट कर देता हूँ. ठीक है, आई नीड अ टीचर विच आई विल पे सो मच सो सैलरी, दिस विल बी द वर्किंग डेज, ऐसा. तो इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई साहब, C2B. क्लियर है, C2B बोल रहे हैं हम इसको. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मुझे सीमेंट चाहिए, मुझे भाई साहब लेट से बीम्स चाहिए, ये सब माल मटेरियल मुझे कहीं से लेना है. तो मैंने भाई साहब वेबसाइट पे जाकर पोस्ट कर दिया, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, कौन मुझे ये लो से लो दाम में सप्लाई कर सकता है. ठीक है, इंडिया मार्ट एक ऐप है, अगर आपको मालूम हो, इंडिया मार्ट में आप अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट को जैसे ही पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो इंटरेक्टिव पैनल लिया था तो मैंने इंडिया मार्ट में इसको पोस्ट किया था, धड़ाधड़ कॉल आएंगे भाई साहब आपको, धड़ाधड़ सब लोग आपको कॉल करेंगे, ये भाई साहब हमारे पास, ये हमारे पास, आप कहाँ पे हैं, इतना है हमारा प्राइस, ये सब आपसे नेगोशिएट करेंगे. दिस इज कॉल्ड B2C. आप इंडिया मार्ट के ऐप में सिर्फ जाकर अपना रिक्वायरमेंट लिख दीजिए, दैट यू रिक्वायर एन इंटरेक्टिव पैनल ऑफ 75 इंच फॉर मैक्स अप, ऐसा लिख दीजिए धड़ाधड़, जो लोग भी उसमें डील करते होंगे उनका कॉल्स आपको आ जाएगा फटाफट. ठीक है, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट C2B. ठीक है, C2B है भाई साहब. ठीक है, तो ही विल पोस्ट हिज रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस ऑनलाइन, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, डोरस्टेप फूड डिलीवरी सर्विसेज, ये सब आपके भाई साहब इसमें आते हैं. कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C इन्वॉल्व्स ऑनलाइन बिटवीन कंज्यूमर्स टू अ थर्ड पार्टी. तो कंज्यूमर से कंज्यूमर, जैसे समझ लो भाई साहब मेरा कोई गाड़ी है जो पुरानी हो चुकी है, आई वॉन्ट टू बेसिकली सेल एंड मे बी बाय अ न्यू वन, और मे बी आई डोंट नीड दिस वन, आई एम मूविंग आउट ऑफ दिस प्लेस, आई एम रिलोकेटिंग माई सेल्फ टू समवेयर एल्स, and I don't want to carry this vehicle along there with me because I have to pay a higher tax. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सल्टा दूंगा भाई साहब. तो अगर मैं इसको बेच रहा हूँ OLX में तो कोई खरीदेगा, या मैंने किसी ब्रोकर को लगा दिया इसको बेचने के लिए, तो ये भी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, C2C, एंड कंज्यूमर से एंड कंज्यूमर तक ही ये जा रहा है. ठीक है, ओके, रीसेल ऑफ अ फ्लैट इज ऑल्सो द सेम. ठीक है, अ कंज्यूमर पोस्ट एन आइटम दैट ही वॉन्ट्स टू सेल ऑन एन वेबसाइट एंड द अदर कंज्यूमर्स बिड टू परचेज इट. मैंने एक प्राइस फिक्स कर दिया भाई साहब, इतने में बेचना है मुझे, सब लोग उससे कम प्राइस में ही बिड करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको मैं बेच दूंगा. ठीक है, आई विल वेट फॉर अ व्हाइल एंड देन आई विल बेसिकली सेल इट टू द वन हु गिव्स मी द हाईएस्ट प्राइस फॉर माय कोटेशन. ठीक है, एग्जांपल ईबे हो गया, OLX हो गया, ऑल दीज आर साइट्स. ईबे हमारे यहाँ पे नहीं चलता है, OLX ज्यादा चलता है. ओके, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, इट कवर्स ऑल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिटवीन द बिजनेस फर्म्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट. ठीक है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्ड इन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज. आपने कोई कंपनी खोली, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको, तो आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे. आपने भाई साहब कोई कंपनी खोली है और उसका बिजनेस भी चल रहा है, नाउ फॉर टैक्सेस एंड ऑल यू विल अप्रोच. ठीक है, तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस, गेटिंग परमिट्स, बहुत सारे आपके परमिट्स रिक्वायरमेंट होते हैं बहुत सारे बिजनेसेस के लिए, अलग अलग बिजनेसेस के लिए. सो ऑब्वियसली फॉर ऑल दीज थिंग्स यू विल अप्रोच द गवर्नमेंट. ठीक है, ओके, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, इट कवर्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो इंडिविजुअल्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ही होगा, क्या ही होगा बताओ, ट्रांजैक्शन मतलब इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप जमा कर रहे हैं तो इज इट अ C2B, इज इट अ C2A, सॉरी C2A, अगर आप अपने टैक्स सबमिट कर रहे हैं C2A. ठीक है, सो ऑल दीज आर C2A. एग्जांपल गेटिंग पासपोर्ट, आधार कार्ड, लाइसेंस, सबमिटिंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेइंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा आपका भाई साहब C2A हो जाएगा. ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस तो हमने देख लिया एक तरफा कि सारा भाई साहब बहुत स्मूथ कर देता है हमारा बिजनेस. ठीक है, और आपका रीच बहुत ज्यादा बढ़ा देता है. कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ही चल रहे हैं. ठीक है, एक्चुअली कोई स्टॉकिंग नहीं हो रही है भाई साहब, ढाप ढूप. देखिए, जब आप MCX में जाते हैं ना, ठीक है, जो कमोडिटी एक्सचेंज होती है, तो उसमें आप बेसिकली समझ लो ऐसा आप परचेस कर रहे हैं, वहां पे 10 क्विंटल गेहूं आप परचेस कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, ट्रक भर के 10 क्विंटल गेहूं आपके यहाँ पे आके जाएगा नहीं, उसी को आप कल घुमा देंगे, जब प्राइस थोड़ा बढ़ेगा उसको आप सेल कर देंगे. तो कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं हम इसको. ठीक है, सो यू हैव परचेज दैट अमाउंट बट यू हैव नॉट स्टॉक दैट अमाउंट, यू डोंट नीड अ वेयर हाउस टू स्टॉक इट. ठीक है, द डे यू फील दैट इट नीड्स टू बी सोल्ड यू सेल इट एंड समबडी एल्स टेक्स इट. ठीक है, इस तरह से हो रहा है भाई साहब, इस तरह से ट्रांजैक्शन हो रहा है. ठीक है, सो ये तो सब आपके भाई साहब, हमारा वेयर हाउसिंग जो है वो काफी कम हो गया है,
हमारा सेल्स काफी बढ़ गया है, मार्केटिंग फनल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट पर्सन को राइट टाइम पे आपका चीज जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है, टाइम लैप्स बहुत कम हो गया है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक आपका फैक्टर ये भी है कि कनेक्टिविटी सब जगह पे सेम नहीं है, ठीक है, आप अगर गांव खेड़े में जाएंगे तो शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी उतना स्ट्रांग ना मिले, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर सब कुछ सही भी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, एक और प्रॉब्लम ये कि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत हैं, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट, अभी समझ लो आपने ऑनलाइन में देखा एक लुक्रेटिव प्रोडक्ट है, उसको परचेस कर लिया, ना प्रोडक्ट आया और ना ही आपके पैसे वापस आए, अभी आप जाकर क्या करेंगे, बैंक में क्लेम करेंगे, लेकिन बैंक वाला बोलेगा भाई साहब आपने परचेज ही क्यों किया था, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, अभी अमेजन हो गया, मित्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब में तो आपका पैसा झट से वापस आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे झोल कंपनीज भी तो पैरेलली चल रहे हैं। आपने फेसबुक पे कोई ऐड देखा भाई साहब बड़ा लुक्रेटिव है, आपने भाई साहब बुक कर लिया, आपने भाई साहब पेमेंट भी कर दिया, अभी आ ही नहीं रहा है, अभी फेसबुक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, यू हैव चोजन टू डू इट, ठीक है, इसके लिए फेसबुक के साथ आप क्लेम नहीं कर सकते, या इंस्टाग्राम पे भी आपने कोई चीज परचेस करी तो आप जाते हो वहां पे क्लेम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्लेम इट, इट इज डन डस्टेड, खत्म हो गया भाई साहब, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप देख कुछ और हैं और मिल कुछ और रहा है, ठीक है, आपने भाई साहब जो चीज खरीदी वो 3,000 की है लेकिन आपको जो चीज मिल रही है वो 500 के भी है, नहीं है वो, ठीक है, इट्स नॉट इवन वर्थ 500 रुपीज। वो ये है कि भाई साहब फ्रॉड होने के ट्रांजैक्शंस बहुत फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, और ज्यादा करके जो रेप्यूटेड कंपनीज नहीं होती हैं, फ्लिपकार्ट छोड़ दो भाई साहब, अमेजन छोड़ दो, मित्रा वगैरह, जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं उसमें ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, ई बिजनेस में फ्रॉड होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ओके, सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट सब लोगों को है, बायर्स और सेलर्स दोनों को भी, सर्टेन डिसएडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस, स्पीड बढ़ता है भाई साहब आपका, फटाफट डिलीवरी, फटाफट भाई साहब ऑर्डर, ये स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है, स्पीड और बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आप ऑनलाइन फटफट कनेक्ट कर रहे हैं, फटफट पेमेंट हो रहा है, फटफट भाई साहब आपका डिलीवरी हो रहा है, सो इससे स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और लोअर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोअर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे मैंने आपको बताया, आप भाई साहब आज की तारीख में समझ लो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको एक वेयर हाउस चाहिए, आप सोच रहे हो भाई साहब वेयर हाउस का खर्चा भी कौन उठाए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है बेचने के लिए, लेकिन उसको भाई साहब वेयर हाउस खोलेंगे या कोई शॉप भी खोलेंगे, उस शॉप में आप भाई साहब और भी तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना पड़ेगा, एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, लाइटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स आए, ये सारा चीज आपको करना पड़ेगा। तो सिर्फ शॉप खोलेंगे और उसमें प्रोडक्ट रखेंगे और कस्टमर दौड़े भागे चले आएंगे, ऐसा नहीं होगा, फिर कस्टमर्स को धीरे धीरे मालूम चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये शॉप में ये प्रोडक्ट मिलता है, एंड दैट विल टेक अप्रोक्सीमेटली एनी वे बिटवीन 6 to 7 months, ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 6 से 7 महीना आपका धंधा चलने वाला नहीं है, आप नेगेटिव ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन आज की तारीख में आप स्टॉक अगर आपके पास कमोडिटीज हैं, आप उसको भाई साहब अमेजन या मित्रा या किसी के थ्रू भी उसको बिकवा सकते हैं भाई साहब, यू कैन हैव इट सोल्ड, ठीक है, भाई साहब वो डिलीवरी बॉय आएगा, वो लेकर जाएगा, इन लोग अपना कमीशन रखेंगे, जो भी उनका कमीशन कट होगा आप उस चीज को धड़ाधड़ बेचिए, ठीक है, और वेन यू एक्यूमुलेट अ गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल देन यू कैन मूव आउट टू योर शॉप। तो ये चीज बहुत हो गई है भाई साहब कि आपका स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट आपका काफी लो में हो सकता है ये, ठीक है। मूवमेंट टूवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, पेपरलेस एनवायरनमेंट। बहुत सारे बैंक्स आज की तारीख में जीरो पेपर्स हो गए, मतलब आपका जीरो पेपर यूज हो गया है, ठीक है, कोई पेपर यूज की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। एक जमाना था जब बैंक वाले बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करके आपके घर में भाई भेजते थे, आज की तारीख में ईमेल में आ जाएगा, आपका जो बैंक का ऐप है उसमें आ जाएगा भाई साहब, धड़ाधड़ आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दीज स्टेटमेंट्स आर विजिबल एट द प्रिंट मीडिया, आपको अभी पेपर प्रिंट करके चीजों को समझाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड दैट, ठीक है, ओके। तो इससे काफी सारा पेपर बच रहा है, आप सबसे बड़ा पेपर कहां पे बच रहा होगा सोचिए, नोट्स में, ठीक है। कितने ही लोग आज की तारीख में भाई साहब पैसा कैरी करते होंगे, मैं आपको सिंपली बता सकता हूं आज से 5 साल बाद शायद पर्स बनाने बंद हो जाएंगे, यू डोंट नीड इट, राइट। कार्ड्स भी अभी जरूरत नहीं है, एक ऐसा एनवायरमेंट हो गया कि यू डोंट नीड कार्ड्स, ऑनलाइन पेमेंट में सारा सब कुछ चल रहा है, कितना ही पैसा आरबीआई भाई साहब बचा रहा है नोट प्रिंटिंग में, यू डोंट नीड दैट अमाउंट ऑफ फिजिकल मनी, करेक्ट, मतलब इधर से उधर बैलेंस जा रहा है भाई साहब थकाथक, ठीक है, सो यू डोंट नीड इट। तो हम काफी हद तक
पेपर को बचा पा रहे हैं, ठीक है, विच इज द नीड ऑफ द आवर। जितना पेपर बचेगा उतना हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा। ईज ऑफ फॉर्मेशन, बड़े इजीली आप भाई साहब इसको ई बिजनेस को ईज ऑफ फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। अ वेरी कन्वीनियंट वे, ग्लोबल एक्सेस है भाई साहब। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चले जाकर अपने प्रोडक्ट को अगर लॉन्च करेंगे, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वो पूरे वर्ल्ड को मालूम हो सकता है। यू कैन रीच आउट द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो देयर इज ग्लोबल एक्सेस, गवर्नमेंट सपोर्ट, और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है भाई साहब। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई साहब मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपका प्रोडक्ट दूर से दूर तक जा पाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है। गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है भाई साहब? गवर्नमेंट सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, गवर्नमेंट भाई साहब इंटरनेट कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग बना रही है, ठीक है, बैंडविड्थ को और स्ट्रॉन्ग बना रही है। सो दैट इज हाउ गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दिस, ठीक है। अगर आप भाई साहब एक ऐसे देश में जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो आपका भाई साहब नहीं चलने वाला, ठीक है। सो अगर गवर्नमेंट ने इंटरनेट कनेक्टिविटी और ये सब सारी चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, एंड इंडिया इज इमर्जिंग अप टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखोगे, आपने 10th में इंडिया और ब्राजील का कंपैरिजन पढ़ा था, ठीक है, ज्योग्राफी में, और उसमें एक पॉइंट था जहां पे ब्राजील हमसे बहुत सारी चीजों में आगे है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द पॉपुलेशन। लेकिन ब्राजील एक दो चीजों में पीछे है। एक, आपका भाई साहब जो 15 से 65 इयर्स की पॉपुलेशन है वो इंडिया में ज्यादा है, ठीक है, ये एक। और दूसरा ये कि ब्राजील में इंटरनेट कनेक्टिविटी उतना अभी स्ट्रांग नहीं है जो आपके इंडिया में है, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा चीज है। जितना आप भाई साहब इसको सपोर्ट करेंगे उतना आपका इकोनॉमी ग्रो होगा, ठीक है। ईजी पेमेंट, ईजी पेमेंट मेथड है भाई साहब, ठीक है। पहले के जमाने में भाई साहब किसी को अगर 1,00,000 रुपए देने जाना हो, तुम भाई साहब एक दो बॉडीगार्ड रखोगे, फिर बैग रखोगे भाई साहब, फिर जा रहे हो भाई साहब, और बार बार चिंता हो रही है कि भाई साहब कोई कुछ करना डाले। आज की तारीख में फोन पे से भाई साहब आप 1,00,000 रुपए किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, डोंट नीड टू कैरी दैट फिजिकल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, स्पीड, वेरी स्पीडी भाई साहब। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। दिस एक्सचेंज हैज बिकम मोर रैपिड थ्रू द इंटरनेट विद जस्ट अ क्लिक ऑफ द माउस, ठीक है। तो फटाफट हो रहा है भाई साहब, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वेरी मच लेस ट्रेडिशनल बिजनेस से। जैसे मैंने आपको बताया कि आप भाई साहब किसी चीज को बेचना हो, फटाफट उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं। यू नीड नॉट हैव अ प्रॉपर स्टोर हाउस, अ प्रॉपर रिटेल प्लेस और अ होलसेल प्लेस, ठीक है। सो यू कैन सेव दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, ठीक है। पेपर वर्क हमारा अभी बहुत कम हो गया है। इट हैज मेड रिकॉर्डिंग, सर्चिंग एंड रेफरेंसिंग द इन्फॉर्मेशन ईजी। ईज ऑफ फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ ई बिजनेस इज रिलेटिवली ईजी एज कंपेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेसेस, ठीक है। अ वेरी कन्वीनियंट वे, ई बिजनेस इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ बिजनेस 24/7, 365। समझ में आ रही है भाई साहब? आराम से भाई साहब इसको आप कर सकते हैं। आज की तारीख में भाई साहब ई बिजनेस में आप अपने, तो देखो जैसे अगर मैं बोलूं मेरे बैंक का जो ऐप है, समझ लो अगर मुझे रात के 12 बजे किसी को मनी ट्रांसफर करना है, क्या मैं कर सकता हूं? लेकिन क्या बैंक खुला रहेगा? नहीं। किसी मेरे रिश्तेदार को अचानक से पैसों की जरूरत आन पड़ी है, कैन आई डू अ ट्रांसफर एट 12 o'clock इन द midnight? आई कैन, राइट, थ्रू जीपे और वॉट एवर आई कैन डू दैट। दिस फैसिलिटी वॉज नॉट अवेलेबल पहले जब हमारा ई बिजनेस नहीं था या हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड उतना स्ट्रांग नहीं था, तो ये हम नहीं कर सकते थे। आपको बाकायदा फिजिकली मनी या तो जाकर सुबह बैंक में भरना पड़ेगा उसके अकाउंट में, या भाई साहब जाकर उसको देना पड़ेगा। दैट इज हाउ इट वॉज, ठीक है। सो इट मेक्स वेरी कन्वीनियंट, इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ एक्सेसिंग एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी टाइम, किसी भी टाइम पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी सिंस अ बिजनेस कैन बी डन एट एनी टाइम। ग्लोबल एक्सेस होता है भाई साहब। इंटरनेट डज नॉट हैव बाउंड्रीज एंड ऑफर्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर बोथ सेलर्स एंड बायर्स। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रोडक्ट को भाई साहब लॉन्च करते हैं, सिर्फ इंडिया में लोग नहीं, पूरी दुनिया में लोग उसको देख सकते हैं। वो देखते हैं या नहीं उनकी मर्जी, लेकिन एक्सेस उनको है, ठीक है, दे कैन एक्चुअली सी इट। ओके, इट अलाउज द सेलर टू सेल द प्रोडक्ट्स इन अ ग्लोबल मार्केट, ठीक है। इट ऑल्सो ऑफर्स द बायर द फ्रीडम टू चूज द प्रोडक्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज की तारीख में भाई साहब अमेजन में बहुत सारे आपको आइटम्स ऐसे दिखेंगे जो इम्पोर्टेड होंगे, मतलब जो एक्चुअली इम्पोर्ट होकर यूएस से आ रहे हैं। आपको दिखेगा कि थोड़ा सा आपको इंपोर्ट का एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्राइस हाई होगा, लेकिन दे कैन बी एक्चुअली इंपोर्टेड फ्रॉम द यूएस, ठीक है। सो ऐसा हो गया ग्लोबल मार्केट। ओके, गवर्नमेंट सपोर्ट, द गवर्नमेंट इनकरेजेस ई बिजनेस। पैसा बचता है, पेपर बचता है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है भाई साहब। फेवरेबल एनवायरमेंट, गवर्नमेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाकर आपके लिए फेवरेबल एनवायरमेंट क्रिएट कर रही है, ठीक है। द सपोर्ट मेक्स इट इजियर टू सेट अप बिजनेस एंड इंश्योर्स मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी। इजी पेमेंट, द ईज ऑफ पेमेंट थ्रू वेरियस ऑप्शंस लाइक क्रेडिट कार्ड्स,
फंड ट्रांसफर एक्सेट्रा इज एन एडेड एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, पेमेंट्स कैन बी मेड एट एनी टाइम. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस. वी विल लुक और रादर इंडल्ज इन द डिसएडवांटेजेस टुमारो. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. ओके, सो बच्चा पार्टी, वी वर डूइंग ई बिजनेस के जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है बिजनेस का, उसका हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख रहे थे. तो कल हमने देखा कि काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं. आपके बिजनेस का स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है, आपका बिजनेस का ट्रांजेक्शन का मोड बढ़ जाता है, वैसे भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं. लेकिन साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी, और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वैसा, पहला तो है आपका हाई रिस्क. ठीक है, हाई रिस्क क्यों है, क्योंकि आप बिना जाने समझे, जैसे समझो आप Amazon से कोई, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि Amazon से एक प्रोडक्ट मिल रहा है वो आप खरीद सकते हो, और किसी लोकल से भी आपको वो प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब लोकल वो भी ऑनलाइन, किसी और दूसरी कंपनी से ऑनलाइन से भी वो प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन दोनों में ही आपका कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं है, आपको प्री पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप क्या ही करोगे, कहाँ से बाई करोगे? Amazon से बाई करोगे, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स है. ठीक है, वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, तो शायद वो सही चीज़ ही आप तक पहुंचाएगा, और सही टाइम पे भी. ये पता नहीं कौन है वैसा, इसको आप जानते नहीं. तो ज़्यादा करके जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होते हैं वो हाई रिस्क को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को जानते नहीं, ना ही डीलर और ना ही कस्टमर, ठीक है, एक दूसरे को जानते हैं, तो इसमें हाई रिस्क तो है. ठीक है, मेरे साथ हो चुका है. ठीक है, मैंने फेसबुक से कुछ ऑर्डर किया, और जितनी बार भी मैंने फेसबुक से ऑर्डर किया वो फालतू प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पता नहीं क्यों. ठीक है, अमेजन से मेरे को आज तक ज़्यादा इश्यूज नहीं आए हैं, या फ्लिपकार्ट से भी ज़्यादा इश्यूज नहीं आए, लेकिन फेसबुक से जब भी ऑर्डर करता हूँ मेरे को फालतू प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ठीक है, अब मैं किसको ही चैलेंज करूँ? ठीक है, वो वहाँ पर मैं कैसे कहाँ तक पहुँचूँ? वहाँ पर कुछ लिंक है ही नहीं, किसी ने वैसे डाल दिया है वो मोबाइल, वो नंबर है, ऑर्डर किया और आया कुछ फालतू सा चीज़. ठीक है, सो ये हाई रिस्क है, हाई रिस्क ट्रांजेक्शन है. As there is no direct contact between the buyer and the seller, there are chances of frauds. तो ये fraud के chances काफी ज़्यादा हैं. ठीक है, it is also difficult to take legal actions in such instances. किसने बोला था खरीदने को? ठीक है, तुमने खरीदा है. जैसे अगर आप, you know, समझो मैंने आपको एक payment दिया, आपका कुछ पैसा मेरे पास बाकी था और मैंने आपको check से payment किया, आपने वो check डाला अपने bank में और वो bounce हो गया. ठीक है, आपके पास अभी पुलिस केस करने का जरिया है, यू कैन एक्चुअली फाइल अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट मी, देर कैन बी अ स्ट्रिक्ट कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट, ये पनिशेबल ऑफेंस है. अगर आप किसी को चेक देते हो और वो बाउंस हो जाता है, मतलब आप उसको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो ना भाई साहब, जब आप बाय आउट टाइम कर रहे हो, आपने समझ लो 10 दिन बाद का चेक दिया, तो मैं वैसे भी पहले 10 दिन से रुका हूँ, और उसके बाद 3-4 दिन और लगते हैं, 3-4 दिन बाद जाके पता चलता है कि चेक बाउंस हो गया है. ठीक है, तो मतलब आपने 15 दिन का टाइम ले लिया और उसके बाद भी पैसा नहीं दिया. ठीक है, तो इसके ऊपर आपका पुलिस केस हो सकता है. लेकिन अगर समझ लो आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदा, वो चीज़ आपको अच्छी लगी, कुछ और मिला, अब क्या ही केस कर लोगे? पुलिस के पास जाओगे, पुलिस बोलेगी काहे लिया था तुमने भाई साहब, बिना देखे समझे पढ़ के तुमने लिया क्यों, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम है. ठीक है, आप बैंक में जाओगे, बैंक बोलेगा आपने, आपको भाई साहब OTP आया था, आपने OTP डाला क्यों? तुमने अपने होशो आवास में ये डील किया है, तुम्हारा प्रॉब्लम. ठीक है, नॉट आर्ट, हम क्या करेंगे इससे, क्या ही समझ में आ रहा है पीपल? ठीक है, सो इसमें बस आप लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते इन सब चीज़ों में. ठीक है, दिस में ऑल्सो रीड टू इंक्रीज रिस्क. ठीक है, तो ये तो भाई साहब इंक्रीज रिस्क हो जाता है. मेरे पापा उस दिन, मतलब थोड़ा किसी बैंक वाले पे चिल्ला रहे थे, कोई तो इशू था, कुछ देर बाद एक कॉल आता है कहीं से रैंडम. ठीक है, और उनको कॉल आता है, बोलते कि आपका पैन, आपका ना हमने कार्ड ब्लॉक कर दिया है, फ्रॉड कॉल है, मुझे समझ में आ रहा है, तो आपका मैंने हमने बैंक में कार्ड ब्लॉक कर दिया, हमारा इंटेंशन आपका कार्ड ब्लॉक करने का नहीं था, हमारा इंटेंशन आपके KYC के डिटेल्स यहाँ पे फ्रीज हो गए, तो जरा फटाफट से बता दीजिए आपका आधार कार्ड नंबर यही है ना, आपका पैन कार्ड नंबर यही है ना? पापा बोले हाँ हाँ. अच्छा, आपका यू नो आपका अभी एक OTP आएगा, वो OTP मेरे साथ शेयर कीजिए, तो मैं ये फ्रीज रिलीज कर देता हूँ. OTP आ गया, मैंने पापा फिर फ़ोन ले लिया, वैसा रुको रुको. ओके, तो फ्रॉड है, दैट इज़ बेसिकली अ फ्रॉड कॉल. अगर पापा ने OTP दे दिया होता तो पैसे गए होते, बैंक से पैसे गए होते. अभी पापा क्या करते, बैंक में जाते थे, बैंक में फ्रॉड रिपोर्ट निकाले, वो बैंक वाले बोलेंगे आपने OTP, हम बार बार मैसेज करते हैं आपको कि आप OTP किसी के साथ शेयर मत कीजिए, आपने किया क्यों,
ये बार बार आपको जनता में जागरूकता फैलाई जा रही है कि ओटीपी किसी के साथ शेयर मत करो, वर्बली आप कभी भी शेयर मत करो, आपने शेयर किया थी यही होता था राइट, दिस वुड हैव हैपेंड, बैंक वाले भी क्या करेंगे इसमें, उनकी गलती नहीं है, तो ऐसे फ्रॉड ट्रांजेक्शन होते हैं ठीक है, दीज आर द वेज इन विच फ्रॉड ट्रांजेक्शन एक्चुअली हैपन ठीक है। बहुत ही बार आपको कॉल आएगा अरे मैं आपके बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूँ, अमेजन से आया हूँ ठीक है, और आपका ये एक प्रोडक्ट है आपका, तो आप पूछेंगे भाई साहब कभी ऑर्डर किया मैंने, नहीं नहीं आपको कुछ पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, ये तो आपको आया हुआ है, पता नहीं किसी ने शायद आप ही ऑर्डर किया रहेगा, आपको एक ओटीपी आएगा वो दे दीजिए ना मुझे, एक्चुअली जैसे ही ओटीपी पे क्लिक करोगे भाई साहब आपको पैसा जाएगा, ऐसे सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो फ्रॉड आज की तारीख में बहुत हो रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स, इसको एक ही चीज़ से बचना है आपको कि आप कभी भी अपने ओटीपी को शेयर मत कीजिए, थोड़ा जागरूक रहिए, बैंक में प्रॉपर चैनल से जाइए, मतलब सारे ऐप्स जो है वो सिक्योर है, मतलब बैंक के पर्टिकुलरली ऐप्स जो है वो सिक्योर है, आलतू फालतू इधर उधर पेमेंट मत कीजिए, फ्री पेमेंट अवॉइड कीजिए जहाँ पे आप लोगों को जानते नहीं, अमेजन हो गया फ्लिपकार्ट हो गया दीज आर एस्टैब्लिश बिजनेसेस, आपका पैसा रिफंड हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसे जगह से आप चीज़ ले रहे हैं तो माइट एज वेल टेक इट अस कैश ऑन डिलीवरी, वहाँ पे आप सी ओ डी कीजिए ठीक है। ओके सो दिस मे लीड टू इंक्रीज रिस्क, इससे पैसा रिस्क बढ़ता है, इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, सम टाइम ऑर्डरिंग डन बाय द गवर्नमेंट कैन लीड टू इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस ठीक है। तो इंटरफेरेंस अभी गवर्नमेंट मॉनिटर करेगा ही पैसा ठीक है, कभी कभी जैसे कुछ दिनों पहले कुछ मतलब कुछ सालों पहले थाना में केस हुआ था जहाँ पे अमेजन से या फ्लिपकार्ट से मुझे याद नहीं है एक पेशेंट ने कुछ मेडिसिन ऑर्डर किए थे, अभी वो फार्मा कंपनी थी कि कुछ था मुझे मालूम नहीं, और वो मेडिसिन उसको डिलीवर हुए, लेकिन उस मेडिसिन के कंजम्पशन से उस इंसान को हार्ट अटैक आया ठीक है। तो डॉक्टर्स ने बोला कि पहली बात तो ये मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलना ही नहीं चाहिए, इसको मिला कैसे ठीक है। तो भाई साहब उसने बताया कि हमने अमेजन से ऐसे ऑर्डर किया था, आपको मिला कैसे, किसने आपको प्रिस्क्राइब किया था ये मेडिसिन, तो बोला कि ये मैंने पढ़ा था गूगल में ये मेडिसिन लेना पड़ता है और मैंने ऑर्डर किया और मुझे मिल गया। तो फिर केस बना कि भाई साहब अमेजन ने या फ्लिपकार्ट ने मुझे मालूम नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, हाउ डिड दे डिलीवर दिस ठीक है विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। इसलिए आप जितने भी मेडिकल ऐप्स देखोगे ना, उन मेडिकल ऐप्स में बाकायदा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को अपलोड करना पड़ता है, तब जाकर वो आपको याद है मतलब किस डॉक्टर ने आपको दिया है ये, उसका नंबर ऊपर सब फ्लैश होगा वहाँ पे, क्या डायग्नोसिस की बेसिस पे उसने आपको दिया है, तो फंसेगा तो वो फंसेगा ठीक है, मेडिकल कंपनी नहीं फंसेगी ठीक है। सो ये आपका होगा, तो कभी कभी गवर्नमेंट इन चीज़ों पे अड़ जाता है वैसे कैसे हुआ इशू, तो गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करे कि हो ही नहीं सकता ना, हाउ कुड दिस बी डन ठीक है। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ हैं जो जेनरिक नहीं है, जो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं ले सकते, नींद की गोलियाँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते ठीक है, बहुत सारे प्रेशर की दवाइयाँ हैं जो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते ठीक है। आप मेडिकल शॉप में वो दवाइयाँ रहेंगी लेकिन वो आपको नहीं ले सकते जब तक आपके पास प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ना हो ठीक है। ओके डिलीवरी टाइम भाई साहब क्या होता है, द टाइम टेकिंग फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट इज कंपैरेटिवली मोर एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेसेस वेयर वी गेट द प्रोडक्ट इमीडिएटली। अभी देखो कैसा है, आपको एक जूता चाहिए, आप दुकान पे गए पैसा दिया जूता लेकर घर आ गए, वही चीज़ अगर आप ऑनलाइन में ऑर्डर करेंगे तो डिपेंड करता है वैसे, दो दिन लग सकता है, तीन दिन लग सकता है, चार दिन लग सकता है, कुछ चीज़ों में ऐसा डिले होता है ठीक है। तो देयर आर सम डिलेज आउट देयर ओके, सो डिलीवरी टाइम पे कुछ जो चीज़ें आप इमीडिएटली ला सकते हैं उसमें डिले हो सकता है। दिस डिले डिस्करेजेस मेनी कस्टमर्स फ्रॉम ऑनलाइन परचेजेस, तो कुछ लोग वैसा इस डिले को अवॉइड करने के लिए ऑनलाइन परचेजेस को अवॉइड करते हैं। Although efforts are being taken to reduce the delay. Example, आज की तारीख में Amazon और Amazon Prime के अगर आप कस्टमर हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आपको सेम डे डिलीवरी मिलती है, इनफैक्ट टाइम आ जाता है 9 से 6 बजे के बीच में आपको ये डिलीवर हो जाएगा ठीक है। सो Amazon assures वन डे डिलीवरी फॉर मेनी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स नहीं बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एक दिन का डिलीवरी टाइम है ठीक है। दिस प्रॉब्लम हैज स्टिल नॉट बीन रिजॉल्व कम्प्लीटली, लेकिन लॉजिस्टिक्स हमारा इतना भी अच्छा नहीं हो सकता कि आप कस्टमर से प्रोडक्ट ले अपना सेलर से प्रोडक्ट लेकर भाई साहब कस्टमर के डोरस्टेप पे एक ही दिन में पहुंचा दो, बहुत मतलब कम प्रोडक्ट्स में ही ऐसा ऑप्शन अवेलेबल रहता है, ऐसे प्रोडक्ट्स में ही ऑप्शन अवेलेबल रहता है जहाँ पे अमेजन अपने स्टोर हाउस में इन चीज़ों को स्टोर कर सकती है, उसमें ही ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं ठीक है। ओके ऑनलाइन सिक्योरिटी इश्यूज, देयर आर वेरियस सिक्योरिटी इश्यूज फेस्ड बाय ऑनलाइन बिजनेसेस ठीक है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था सुंदर पिचाई का, और उसमें मतलब वो मुझसे पूछा जा रहा है कि मतलब एक
केस चल रहा है, कोई कोर्ट केस, सीईओ लोग जाते हैं वैसा कोर्ट केस में उनको जाना पड़ता है, किसी कस्टमर ने या किसी ने गूगल पे केस फाइल किया रहेगा तो जाना, तो जूरी के सामने है वो और उनसे पूछा जा रहा है, तो जूरी का एक सदस्य उनसे पूछ रहा है, जूरी मतलब समझते हैं एक पूरा जजेस का पैनल होता है, तो ये अमेरिका में होता है बेसिकली, कोई एक जज नहीं है मतलब एक पूरी जूरी है, मतलब एक पूरा जजेस का पैनल है किसी किसी मैटर पे वैसा उन लोग जजमेंट पास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको पूछा जा रहा है सुंदर पीछे से कि ये मेरा मोबाइल है, जज पूछ रहा है ये मेरा मोबाइल है, मैं वहाँ से वहाँ तक जा रहा हूँ, आप तक जा रहा हूँ, तो विल गूगल नो अबाउट माई मूवमेंट, विल गूगल नो अबाउट माई मूवमेंट फ्रॉम हेयर टू देयर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, तो सिंगर पिचा वैसा दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, कुमार आ इधर उधर, देखिए जज फिर से पूछा है, नो आंसर माई क्वेश्चन, माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल टू यू, इफ आई वॉक अप टू यू कैरिंग माई मोबाइल इन माई हैंड, विल गूगल बी एबल टू ट्रैक माई सेल फोन मूवमेंट और माई मूवमेंट, सो सी वी हैव अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधे पीछे पीछे चालू हो रहे हैं, ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है कि भाई साहब गूगल इस चीज़ को ट्रैक कर सकता है, मतलब आपकी प्राइवेसी अभी नहीं है, आप बोल सकते हैं कि आप एक प्राइवेट लाइफ जी रहे हैं लेकिन एक्चुअली में प्राइवेसी नहीं है ना, कहाँ है आपका लोकेशन, फटाफट ट्रैक हो सकता है, कोई भी वैसा क्राइम होता है पुलिस पहले क्या निकालती है वैसा, आपका मोबाइल रिपोर्ट क्राइम पेट्रोल को देखा ही होगा वैसा, सेल फोन रिकॉर्ड निकालो, ठीक है, और जिसका मर्डर हुआ है या जो क्राइम हुआ है उसके आजू बाजू जितने भी सेल फोन वाले हैं उनको भी आप लोकेट कर सकते हो, उस टाइम पे जितने भी लोग थे उन सबका सेल फोन नंबर ट्रेस आउट हो सकता है, ठीक है, सो मतलब प्राइवेट लाइफ बोल के कुछ नहीं है, अभी प्राइवेट लाइफ बोल के कुछ नहीं है, मैं बहुत ही बार मतलब मैं एक कुछ दिनों तक मैंने मतलब इंटरनेशनल वोडाफोन में काम किया था जहाँ पे हमको ऑस्ट्रेलिया से कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में जो वोडाफोन चल रहा है, ठीक है, हमारे मतलब ऐसे कॉल्स आते थे, मतलब ज़्यादा जगह सभी आईफोन यूज़र्स थे, तो आईफोन यूज़र्स थे उनका भाई साहब तेवर में कॉल करते थे, इतना ज़्यादा कैसे बिल हो गया हमारा, तो इतना ज़्यादा कैसे बिल हो गया, नहीं आपने इंटरनेट यूज़ किया है, नहीं इतना इंटरनेट मैं यूज़ कर ही नहीं सकता हूँ, तो हम सीधा बोलते थे आप कौन कौन से साइट पे कब कब गए हैं बोलें, डू वी से दिस वी कैन सी इट हियर, आप कौन कौन से साइट पे कौन कौन से टाइम पे कब तक थे वो भी बता दूं मैं, ऐसा बोलते थे हम, डू यू वॉन्ट अस टू डिस्क्लोज दिस टू यू, फिर चुप हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो भाई साहब किस साइट पे जा रहा है ये भी हम देख पा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब प्राइवेट लाइफ है ही नहीं आपकी, आपको लग रहा होगा कि भाई साहब कोई कुछ नहीं जानता लेकिन आज की तारीख में इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, यस यू हैव ऑल द राइट्स टू लिव अ प्राइवेट लाइफ बट गूगल को मालूम है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास अगर फोन है तो आपको मालूम, तो ये आपका आज की तारीख में अगर ये मालूम है तो क्या हम इसको भाई साहब ट्विस्ट एंड ट्विक कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम ट्विस्ट एंड ट्विक कर सकते हैं, देयर वेरियस सिक्योरिटी इश्यूज फेस बाय ऑनलाइन बिजनेस, तो ऑनलाइन बिजनेस में काफी सारा सिक्योरिटी इश्यूज है, पेमेंट्स में फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है, अगर रिफंड इश्यूज में फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारा भाई साहब हैक हो रहा है इन्फॉर्मेशन, ये सारा सब कुछ हो रहा है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स, हैकिंग ऑफ फाइनेंशियल डिटेल्स, सच सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इश्यूज कॉज डिस्टर्बेंस अमंगस्ट पोटेंशियल कस्टमर्स, तो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है वैसा, आपका इंफॉर्मेशन वैसा कैसे गया दूसरे के पास, आप भी वैसा बेचैन हो जाएंगे, ठीक है, ओके, नो पर्सनल टच, ई बिजनेस लैक्स पर्सनल टच, कभी कभी भाई साहब आपने आप जैसे किसी कस्टमर किसी कोई किसी भी चीज़ के लिए किसी दुकान पे जा रहे हैं, कंप्लेन लेकर जा रहे हैं या कुछ आपको परचेज करना है, दुकान वाला आपको बोला भाई साहब ये ले लो वो ले लो ये ले लो वो ले लो इसमें ये सब फीचर्स हैं आपको बेनिफिट होगा, एक पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है या समझ लो आपने जो प्रोडक्ट लिया वो बेकार निकला तो आप उसका लेकर गए तो बोला नहीं सर ये खराब था ये था वो था चलो रिप्लेस करके दे रहे हैं, एक पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर आप भाई साहब कस्टमर सर्विस में कॉल रहे हैं इसके लिए एक दबा रहे हैं फिर उसके लिए पाँच दबा रहे हैं फिर उसके लिए भाई साहब जीरो दबा रहे हैं आप वेतक जाए है ना बहुत सारे टाइम पे आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाए इट विल बी ऑल द मोर फ्रस्ट्रेटिंग आपका भाई साहब हो सकता है वो जो इशू के लिए आप कॉल कर रहे हैं वो एक मिनट का भी ना हो लेकिन IVR चलता रहता है भाई साहब आपका डेढ़ मिनट अभी सर इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए फिर आपको कनेक्ट होगा ठीक है सो इट लैक्स पर्सनल टच इट बेसिकली लैक्स पर्सनल टच आज की तारीख में तो भाई साहब सब कुछ AI फॉर्मेट में जा रहा है तो मतलब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर्मेट में सारी चीज़ें बहुत ऑटोमेटेड हो जाएंगी तो एक गूगल का प्रेजेंटेशन में देख रहा था जहाँ पे सुंदर पिचाई बोल रहे हैं कि वी विल बी रीचिंग सच अ स्टेज
that let's say you have to book an appointment with your dentist, so it will be done pretty much automatically by your phone. You will just tap in that, hey, my phone, please book an appointment with my dentist. Now your phone is going to ring up your dentist, okay? Or an automated voice call jayega ki such and such person wants to fix an appointment. Your dentist aapka confirm karenge, okay 2 PM, okay 2 PM. So then फिर आपको आएगा क्या 2 PM तुम्हारे लिए सही है, तो उसमें क्लिक कर दो. सो यू डोंट हैव टू टेक द ट्रबल ऑफ मेकिंग अ फोन कॉल टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर योर डेंटिस्ट. इस कदर AI जाएगा. तो बट इवन अगर चला भी गया तो मतलब पर्सनल टच थोड़ा सा आपका वीक हो ही जाएगा. इट विल बी बेसिकली वीक, ठीक है? ओके, सो डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. देयर आर 3 मेन स्टेजेस इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. नेमली एक होता है पैसा आपका प्री परचेस या सेल, ठीक है, एक्चुअल परचेस एंड डिलीवरी स्टेज. तो ये आपके 3 स्टेजेस होते हैं, प्री परचेस दैट इज सेल, एक्चुअल परचेस एंड देन डिलीवरी स्टेज. द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर. तो आप जब भी किसी साइट पे जाते हैं तो पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को. आप ऐसे ही अमेज़न या फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते जब तक आपने अपने आप को वहां पे रजिस्टर ना किया हो. किसी भी साइट, किसी भी चीज को परचेस करने के लिए आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा बाय योर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? प्लेसिंग एन ऑर्डर, तब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं. फिर पेमेंट, पेमेंट के आपके ऑप्शंस हैं, COD है, भाई सब चेक है, नेट बैंकिंग ट्रांसफर चेक जनरली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में नहीं चलता है, ठीक है? नेट बैंकिंग ट्रांसफर जिसको NEFT या RTGS से आप कर सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड एंड डिजिटल कैश जो आपका GPay वगैरह से होता है या Paytm से होता है, ठीक है? ओके, सो आपका वैसा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. अ पर्सन हु वांट्स टू परफॉर्म सच ट्रांजैक्शंस हैज टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर. वेंडर के साथ वैसा आपको एक फॉर्म फिल करके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं. इट हैज बेसिक डिटेल्स लाइक कस्टमर्स ईमेल आईडी, नेम, नंबर, एड्रेस वगैरह, ठीक है? दीज डिटेल्स आर सेव्ड एंड सेव्ड इन द वेबसाइट. प्लेसिंग इन ऑर्डर, it is the second step where a customer selects the product or service he wants to purchase and it adds onto the shopping cart. Again, the shopping cart gives a list of all the items the buyer has selected to purchase, the quantity to be purchased and the price for each item. So bhai sahab aapka dekha hi hoga bhai sahab, this is not something very matlab aisa kuch nahi bol raha hu ki ya aisa kuch bhi yahan pe discuss nahi kar rahe jo aap unfamiliar hain. Okay, you have seen through these processes, ठीक है? तो एक कार्ट होता है, उस कार्ट में कभी कभी आप कार्ट में जाते हैं, कभी कभी बिना कार्ट में जाए भी आप चीजों को डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? पेमेंट, देन पेमेंट बेसिकली क्या हो जाएगा, मेकिंग द पेमेंट इज द लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. द बायर हैज टू सिलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन, दैट इज द वे इन व्हिच ही इज गोइंग टू पे. दीस पेमेंट सिस्टम्स आर सिक्योर्ड विद हाई लेवल एन्क्रिप्शंस टू इंश्योर दैट पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली सिक्योर. तो ये जितने भी आपके पेमेंट साइट्स होंगे इनका पैसा दे हैव टू बी कंप्लायंट, ठीक है? बैंक किसी नॉन कंप्लायंस पेमेंट वेंडर को पेमेंट जाने नहीं देगा. क्या समझ में आ रहा है? समझ लो भाई साहब, एक आपका आपका किसी बैंक में अकाउंट है, जैसे HDFC से है, ICICI से है, कोई भी बैंक, प्राइवेट बैंक हो सकता है, नेशनलाइज बैंक हो सकता है, यूनियन बैंक से है, ठीक है, स्टेट बैंक से है, ये सब मतलब आपका जैसे Paytm एक पेमेंट वेंडर है, ठीक है? आपका भाई साहब गूगल पे एक पेमेंट वेंडर है, फिर आपका भाई साहब फोन पे एक पेमेंट वेंडर है, और भी तमाम रेजर पे है भाई साहब, ठीक है? अलग अलग है, इन सबको कंप्लायंट होना पड़ेगा. कंप्लायंट होना पड़ेगा मतलब पेमेंट ट्रांजैक्शन ऑथराइज कर पाए, इसके लिए जो कंप्लायंट नहीं होगा बैंक उनको पेमेंट नहीं करेगा, पेमेंट विल नॉट गो, ठीक है? तो इसीलिए ये बहुत सारे एन्क्रिप्शन होते हैं और इन एन्क्रिप्शंस को वैसा प्रॉपरली इंस्टॉल किया जाता है ताकि ये पेमेंट वेंडर्स प्रॉपरली काम कर पाए. द पेमेंट सिस्टम्स आर सिक्योर्ड विद वेरी हाई लेवल एन्क्रिप्शंस टू इंश्योर दैट पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली सिक्योर, ठीक है? सम ऑफ द वेज अवेलेबल फॉर अ कस्टमर टू मेक पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी है वैसा आपका COD जिसको बोलते हैं. द कस्टमर मेक्स द पेमेंट आफ्टर रिसीविंग द प्रोडक्ट. द पेमेंट इज मेड एट अ डोरस्टेप ईदर इन कैश और बाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड और बाय GPay एज़ वेल, व्हाटएवर. चेक ये ज्यादा करके नहीं होता है, एटलीस्ट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. आप किसी को भाई साहब फ्लिपकार्ट से आएगा उसको चेक देंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है? बट दैट इज द पेमेंट इज मेड टू चेक. द बायर सेंड्स अ चेक टू द सेलर एंड द सेलर डिलीवर्स द प्रोडक्ट आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ द चेक. नेट बैंकिंग ट्रांसफर, ठीक है? द पेमेंट इज ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली
थ्रू इंटरनेट फ्रॉम द बायर्स अकाउंट टू द सेलर्स अकाउंट. तो बायर्स अकाउंट से सेलर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है. आफ्टर द रिसीव ऑफ द पेमेंट द सेलर डिस्पैचेस द गुड्स टू द बायर. तो सेलर भाई साहब क्या करता है, डिस्पैचेस द गुड्स टू द बायर. नेट बोलते हैं इसको, नेट बैंकिंग ट्रांसफर. तो आपने नेट बैंकिंग से बायर ने सेलर को भाई साहब पेमेंट कर दिया है, तो अभी सेलर को भाई साहब अपने गुड्स भेज देंगे. क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ठीक है. सो द बायर मेक्स अ पेमेंट यूजिंग द डेबिट और क्रेडिट कार्ड. डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स आर पॉपुलरली नोन एज प्लास्टिक मनी. दीज कार्ड्स आर मोस्टली यूज फॉर ऑनलाइन पेमेंट. तो इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज प्लास्टिक मनी. ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए ये वैसा यूज होते हैं, ठीक है. डिजिटल कैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी. ये वैसा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है. इट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस एंड हैज नो फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज. पेटीएम, फोन पे, जी पे, इनका वैसा कोई बैंक नहीं है, ठीक है. इसको हम डिजिटल कैश बोलेंगे. ये सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट कर रहा है. इसके लिए कोई एम्प्लॉयज नहीं बैठे हुए हैं, इसके लिए वैसा कोई कस्टमर सर्विस नहीं है. ये अपने आप वैसा चल रहा है ऑटो पायलट मोड में, ठीक है. सो डिजिटल कैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी. इट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस. किसी ने पेटीएम को कॉल करने की कोशिश की है, करके देखो भाई साहब. बहुत रेयरली यू विल गेट टू कनेक्ट टू समवन. फोन पे, ये सारे, ठीक है, सारे ऐसे ही हैं. साइबर स्पेस एंड हैज नो फिजिकल प्रॉपर्टीज. इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है. मतलब जैसे अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, यू विल हैव टू हैव अ बैंक. उसके पास अब लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे वैसा काम चल रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. लेकिन ज़्यादा करके जितने भी आपके पेमेंट वेंडर्स हैं जो डिजिटल कैश में ही इन्वॉल्व होते हैं, उनका कोई बैंक या कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है. सो इट इज प्रीटी मच इन साइबर स्पेस, ओके. इट ऑफर्स द एबिलिटी टू यूज रियल करेंसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये यूज होता है. राइट अ वर्ड और टर्म और अ फ्रेज व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है. द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म्स ईमेल एंड ई कॉमर्स. श्रावणी बोले ना, ओके. द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म्स ईमेल एंड ई कॉमर्स. क्या हो जाएगा वैसा आपका, ठीक है. ई बिजनेस द यूज ऑफ द वेब, इंटरनेट, इंटरनेट, एक्सट्रानेट टू कंडक्ट बिजनेस. उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या ई बिजनेस भी बोल सकते हैं. द ब्रांच ऑफ ई बिजनेस दैट रेफर्स टू ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग. ई कॉमर्स द फॉर्म ऑफ ई बिजनेस वेयर बोथ बायर एज वेल एज सेलर आर बिजनेस एंटिटीज. ये हो जाएगा आपका बी टू बी, है ना भाई साहब. बी टू बी बायर और सेलर दोनों भी आपके बिजनेस एंटिटीज हैं. The form of e-business which involves getting passport and license C2A हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है. मतलब आप administration को approach कर रहे हैं. As a customer, you are approaching the administration. तो C2A, ठीक है. License, passport आपको कौन issue करे? Administration issue कर सकता है, ठीक है. Write a word or a term or a phrase which can substitute each of the following statements. The transaction which is done with the help of the internet. आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है. द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ओके. द स्टेज वेयर द गुड्स बॉट आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर. द स्टेज वेयर द क्लियर पर डिलीवरी स्टेज हो गया भाई साहब, ठीक है. द मेथड इन व्हिच द पेमेंट इज मेड एट द डोर स्टेप ऑफ द कंज्यूमर. सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, ओके. नेम द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस. डिजिटल करेंसी, ठीक है. दिस इज नोन एज डिजिटल कैश या डिजिटल करेंसी. State whether the following statements are true or false. It is easy to set up e-business as compared to traditional business. True. E-business को set up करना ज़्यादा आसान है than traditional business. This is true. Okay. The term e-business is derived from the term email and e-commerce. True है वैसा. Okay. True. Okay. The term e-business and e-commerce can be used interchangeably. E-business मतलब यहाँ पे इसको डाला, इसको यहाँ पे डाला. कैन यू यूज, ये आपका फॉल्स हो जाएगा. ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्यों ऐसा नहीं कर सकते आप? व्हाई? देखो जहां पे ई बिजनेस हो रहा है वहां पे ई बिजनेस ही हो रहा है, और जहां पे ई कॉमर्स हो रहा है वहां पे ई कॉमर्स ही हो रहा है. ई कॉमर्स वाला ई बिजनेस नहीं, और क्यों ऐसा क्यों? देखो ई कॉमर्स बी टू सी है और ई बिजनेस बी टू बी है. समझ में आ रहा है? देखिए इसीलिए आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते. The scope of e-business is restricted to online shopping only. False. Okay, this is basically false. Okay, in India, till now business was managed through modern electronic methods. False. Okay.
state where the following statements are true or false. Applying for an Aadhaar card is an example of C2A. True or false? Okay. Customer to administration C2A. Okay. Traditional trading is done through the internet. False. Okay. Traditional trading is not done through internet. E-business allows you to work across the globe in any field. True. Internet has reduced the dependence on paperwork. True. Making payment is the second step in online transaction. Registration ke baad kya hota hai? So you, so that is not, it is almost the final stage. Okay. Previously I have posed questions. What are the advantages and disadvantages of e-business? Bhai sahab bahut baar repeat hua. A repetitive question hai ye. Okay. 2020 tak repeat hota hua aaya. Advantages or disadvantages? बहुत आराम से आप इसको, मतलब आप अगर नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी लिख सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? स्पीडिंग, स्पीड बढ़ाता है भाई साहब, ठीक है। और क्या है भाई साहब? आपका ग्लोबल, ग्लोबली आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिलीवर भी कर सकते हैं, ग्लोबल प्रेजेंस को इंश्योर करता है, ठीक है। और क्या है भाई साहब? लेस पेपर वर्क, ऑलमोस्ट नो पेपर वर्क, पेपर वर्क की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई साहब? व्हाट एल्स? हाँ, ईजी टू सेटअप, वेरी इजी टू सेटअप, ठीक है। आपको जिस दिन भाई साहब ई बिजनेस में उतर रहा उसी दिन आप उतर सकते हैं, ठीक है। इट डजंट नीड द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वेरी लार्ज साइज शॉप और एनीथिंग, ठीक है। सो डिसएडवांटेजेस, ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन हैकिंग, ठीक है, इनसिक्योरिटी भाई साहब, या और कभी कभी आप भाई साहब जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया वो नहीं मिल रहा है। सो दीज आर थिंग्स दैट माइट हैपन, ठीक है। सो एडवांटेजेस, स्पीड, अ लोअर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई साहब, लोअर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस, ठीक है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, बहुत इजीली आप सेटअप कर सकते हैं, अ वेरी कन्वीनियंट वे है भाई साहब। ग्लोबल एक्सेस है, ग्लोबल एक्सेस मतलब पूरे दुनिया में आप बिजनेस को कर सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट, दिस गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इट, एंड ईजी पेमेंट्स, एंड देयर इज ईजी पेमेंट सिस्टम, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, हाई रिस्क है, इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट है, इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, क्योंकि कभी कभी आप लिमिट्स को क्रॉस करते हैं बिजनेस करते हुए, ठीक है। आपने भाई साहब कोई चीज जो नहीं डिलीवर करनी थी वो भी डिलीवर करवा दी, तो ये आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ओके, डिलीवरी टाइम, डिलीवरी टाइम तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, गवर्नमेंट बहुत क्लोजली देखती है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं। जैसे जब कोरोना चल रहा था तो अमेजन भाई साहब डिलीवर नहीं कर रहा था, फिर धीरे धीरे जब स्टार्ट हुआ तो मतलब अमेजन के जो लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट को नीचे ही छोड़ के जाएंगे, दे विल नॉट गो अपस्टेयर्स, ठीक है, ऐसा चला। और कभी कभी भाई साहब कोई अगर ओल्ड इंसान है जो नीचे नहीं आ सकता है, वो भाई साहब कॉल कर रहा है नहीं हम नीचे नहीं जा सकते हैं, तो अमेजन वाले ने दे दिया, इसके लिए भी आपने प्रोटोकॉल को वायलेट किया है, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों पर इंटरफेयर करता है, सही हो या गलत, लेकिन आप प्रोटोकॉल को वायलेट कर, ठीक है। सो ये आपके चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, जैसे जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा, अगर आप गोवा जाएंगे तो वहाँ पे ओला या उबेर नहीं मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे लोकल टैक्सी वाले ही मिलेंगे आप, और वही टैक्सी रेट से वो चल रहे हैं, ओला और उबेर आपको नहीं बुक करने होंगे, ठीक है। तो आप अगर स्टेशन से आप उतर रहे हैं या एयरपोर्ट से आप उतर रहे हैं तो जो आपके लोकल टैक्सी वाले वही लेकर जाएंगे, वो अपने रेट से लेकर जाएंगे। गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर कर रही है नॉट टू अलाउ ओला और उबेर टू कम, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो इसको बोलेंगे इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, दिस इज इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस के लिए टूरिस्ट इनकम ही है उनके लिए, और कुछ है नहीं। गवर्नमेंट में नॉट हैव इट मेड ना, देखिए जैसे मुंबई में आपके बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो ओला उबेर को अपन अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन गोवा जैसे एरिया में आपका टूरिस्ट अट्रैक्शन ही मेन है, तो टूरिस्ट लोग अगर आते हैं तो टूरिस्ट का जो पैसा आता है वही उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम है, और वो भी अगर ओला उबेर वाला को चला गया तो उनके पास क्या बचेगा। तो इसीलिए कभी कभी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इन सब चीज़ों में, ठीक है। डिलीवरी टाइम, डिलीवरी टाइम आपका ज़्यादा हो सकता है, जिस चीज़ को आप फटाक से अपने बिल्डिंग से उतर के फटाक से ले आ सकते हैं, ठीक है, उसको वैसा अगर आप ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन तो 2-3 दिन बाद आ सकता है, ठीक है। ऑनलाइन सिक्योरिटी इश्यूज तो है ही आपके, तो आपका इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो जाए, इसके लिए आपको और नो पर्सनल टच, यहाँ पे भाई साहब कोई पर्सनल टच नहीं है, ठीक है। प्रीवियसली आप पोस्ट क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, देयर आर 3 मेन स्टेजेस इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, नेमली प्री परचेस, सेल, एक्चुअल परचेस, सेल एंड डिलीवरी स्टेज। द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आर एक्सप्लेन बिलो, रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर, पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी।
कैश ऑन डिलीवरी में चेक, नेट बैंकिंग ट्रांसफर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, डिजिटल कैश, ये सारी चीजें होता है। ठीक है, ओके ओके। प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इन ट्रेडिशनल एंड ऑनलाइन बिजनेस। बायर सेलर को फाइंड करता है, ठीक है, ट्रेडिशनल एंड ऑनलाइन बिजनेस दोनों में भी यही प्रोसेस है। सिलेक्शन करता है भाई साहब कौन से गुड्स उसको चाहिए, ठीक है, कौन से पर्टिकुलर गुड्स उसको चाहिए। नेगोशिएशन ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, फिर भाई साहब होता है सेल, पेमेंट एंड डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट और डिलीवरी एंड पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी। फिर पोस्ट सेल एक्टिविटी होती है। पोस्ट सेल एक्टिविटी मतलब क्या, जब आपने कोई कंप्यूटर लिया है उसमें भाई साहब कोई आपको सॉफ्टवेयर आपको उसी बायर से लेना है तो आप दे रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको तो आप उसको कॉल कर रहे हैं और इस इश्यू को फिक्स कर रहे हैं, तो दीज आर नोन एज पोस्ट सेल एक्टिविटीज। ठीक है, ओके। नीड फॉर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन ऑन अ स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है, आउटसोर्सिंग मतलब क्या है, देखो जैसे समझो अभी कोई स्कूल है, ठीक है, स्कूल में समझ लो 5000 स्टूडेंट्स हैं, या समझ लो तुम्हारा कॉमर्स का जो क्लास है स्कूल में उसमें समझ लो भाई साहब 500 स्टूडेंट्स हैं, यस 500 स्टूडेंट्स हैं। ओके, जब स्कूल कोई टेस्ट कंडक्ट करा रहा है 12th के लिए, तो इसका मतलब जो टीचर होगा उसको 500 पेपर चेक करना पड़ेगा, और भाई साहब पेपर चेकिंग से और मतलब इरिटेटिंग एक्टिविटी और कुछ नहीं हो सकती। किसी का राइटिंग भाई साहब कुछ है, कोई भाई साहब नंबरिंग कैसे कर रहा है, ठीक है, तो बहुत इरिटेटिंग एक्टिविटी है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए इसको करने में। पढ़ाना है पढ़ा के आप जा सकते हैं, ठीक है, समझाना है समझा के आप जा सकते हैं, लेकिन जब पेपर चेकिंग की बात आती है तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कोई भाई साहब 1 के बाद सीधा 5th अटेंड कर रहा है, फिर भाई साहब 7th अटेंड कर रहा है, फिर 2 अटेंड कर रहा है, फिर आप उस क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है, और किसी किसी की राइटिंग तो माशाल्लाह होती है भाई साहब, ठीक है, तो मतलब पेपर चेकिंग एक बहुत बड़ा एक्टिविटी है। अगर स्कूल ये समझे, कोई उनको अप्रोच करे कि आपका जो पूरा एग्जामिनेशन है हम कंडक्ट करवा देंगे, हम आपको पेपर्स भी दे देंगे, आप सिर्फ चैप्टर के नाम बताइए, पेपर देने से लेकर पेपर चेकिंग तक सब हम हैंडल कर लेंगे, लेट योर टीचर्स ओनली डू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग। ठीक है, आपके टीचर्स को टीच करने दीजिए एफिशिएंसी, हम हमारे पास टाइम पड़ा है, हम आपके टीचर्स के पास वैसे क्लास भी कंडक्ट करवाना है, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, पेरेंट्स से कॉल्स भी हैंडल करने हैं, PTI भी कंडक्ट कराना है, और मतलब किसी को अगर हेल्प लगे तो वो भी प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें तमाम हैं। तो उनके ऊपर अगर आप और ज़्यादा बर्डन डालें कि पेपर का, तो आपके टीचर्स का एफिशिएंसी शायद कम हो जाए, और 500 पेपर चेक करना है भाई साहब, तो इससे अच्छा हमें दे दीजिए, तो दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग, इसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। अगर स्कूल वाले ऐसा करते हैं तो कम से कम एक हेडेक उनका कम हो गया, ठीक है। खैर, इसी तरह से बहुत सारे जो बाहर की कंपनीज हैं वो क्या कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, दे आर बेसिकली डूइंग फॉर आउटसोर्सिंग। जैसे आपका बाहर का कोई बैंक है तो उसने क्या किया भाई साहब, अपने ज़्यादा जो भी प्रोसेसेस हैं उनको इंडिया में आउटसोर्स कर दिया। आपने कॉल सेंटर्स के नाम सुने होंगे इंडिया में, ये इंडिया में जो कॉल सेंटर्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, दे आर केटरिंग टू द कस्टमर्स ऑफ ऑफशोर, जैसे अमेरिका के या ग्रेट ब्रिटेन के या ऑस्ट्रेलिया के कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इन्हीं लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए काफ़ी सारा पैसा लगेगा। क्योंकि आप जब किसी को हायर करते हैं, मैन यू बेसिकली हायर समबडी फ्रॉम US और UK, यू हैव टू रियली पे देम वेरी हाई। और अगर किसी इंडियन को आप हायर करें तो 20,000 में खुशी खुशी आपका काम कर देगा, 8 घंटे भाई साहब हेडसेट पहन के बैठेगा और वो कॉल्स लेता रहेगा, उनके इश्यूज और क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा है, ठीक है, तो ये सारा काम करके दे देगा वो आपको, ठीक है, 8 घंटे। यही चीज़ अगर भाई साहब आप किसी US वाले को या UK वाले के उधर के इंसान को ही काम करवाएंगे तो आपको 20 नहीं भाई साहब, उसको कम से कम 2-3 लाख रुपए देने पड़ेंगे महीने के, आपके डॉलर या पाउंड का कन्वर्जन आप देख लो वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। सो दे आर सेविंग ऑन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। आउटसोर्सिंग आज की तारीख में मनी भी और हेडेक दोनों भी अवॉइड करें, ठीक है, दे आर सेविंग ऑन बोथ द थिंग्स, बोथ ऑन मनी एज वेल एज आपका रिसोर्सेज, की सारी चीज़ों को बचा रहे, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। The need for outsourcing can be explained as follows. Today, services all over the world are becoming highly specialized. मतलब हम ये काम कर रहे हैं ना, तो let us be the best in this only. आप जितना ज़्यादा काम को digress करेंगे, उतना ज़्यादा complications आएगा। आप भाई साहब समझ लो एक कंपनी चला रहे हैं, आप भाई साहब अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, फिर आप भाई साहब आप मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, आप भाई साहब प्रोडक्शन भी देख रहे हैं, क्वालिटी भी देख रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, है ना।
सो व्हेन यू आउटसोर्स थिंग्स टू अदर्स देन यू कैन फोकस ऑन द प्राइमरी जॉब, जो आपका प्राइमरी जॉब है उस पर आप फोकस कर सकते हैं और फिर आपका क्वालिटी बढ़े, ठीक है। टुडे सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिकमिंग हाईली स्पेशलाइज्ड, देयर इज अ नीड फॉर फाइनली ट्यून्ड स्किल्स टू प्रोवाइड मच ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। विद इंक्रीजिंग ग्लोबल कॉम्पिटिशन मोस्ट कंपनीज आर फोकसिंग ऑन शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट्स एज वेल एज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। Showcasing their products as well as improving the quality of their products and services. ज़्यादा करके जो companies हैं वो बाकी के काम को outsource कर रही हैं और उनका जो main काम है उसको improve करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। To achieve this, the company has to concentrate on its hardcore activities. Hence, there is a need to evaluate its other business processes. तो बाकी के जो business processes हैं वो भाई साहब आउटसोर्स कर दें और ये जो है मेरा main काम इस पर focus करें, ठीक है। So advantages and disadvantages, outsourcing is the process of contracting a business function on a specific business activity to specialized agency. अभी देखो outsourcing कैसा है, राहुल मंत्री की शादी होने वाली है, let's see, he is going to get married. So what will his family do? कि भाई साहब गेस्ट को बुलाया हमने, ठीक है, शादी के दिन, तो अभी क्या फैमिली के लोग खाना बनाएंगे? तो अगर फैमिली के लोग खाना बनाएंगे तो वही अगर खाना परोसेंगे तो भाई साहब मैनेज नहीं हो पाएगा, इतने लोग जो आएंगे उनको ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे हम। तो हमने क्या किया, किसी केटरर को बुलाया, केटरर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ये क्या हुआ, आउटसोर्सिंग ही तो हुआ, इसे बेसिकली आउटसोर्सिंग होती है ना। सो इन ऑर्डर टू मैनेज योर गेस्ट वेल, ठीक है, सो दैट यू कैन यू नो इंटरेक्ट विद देम, सो दैट यू कैन बेसिकली प्रोवाइड देम विद अ गुड टाइम, ठीक है। ये सारा चीज आप ठीक से मैनेज करने के लिए, ज़्यादा करके जो भी चीज़ें किसी को आपने भाई साहब फूल लगाने के लिए आउटसोर्स किया है, किसी को भाई साहब आपने मंडप सजाने के लिए आउटसोर्स किया है, किसी को आपने खाना बनाने के लिए आउटसोर्स किया है, तो ये तमाम लोगों को आपने आउटसोर्स कर दिया ना, अपना काम जो है वो आपने आउटसोर्स कर दिया, सो दैट यू कैन मैनेज योर गेस्ट वेल, ये आपका कोर जॉब है। आप भाई साहब खाना बना रहे हैं, गेस्ट लोग आकर खड़े हुए हैं, भाई साहब उनसे बात करने के लिए कोई नहीं है, सो इट विल बी बेसिकली इट विल नॉट बी लुकिंग गुड, इट विल बी अ बैड मैनेजमेंट, ठीक है। या मतलब गेस्ट तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, केओस हो जाएगा, ठीक है। सो आउटसोर्सिंग का मतलब समझिए, तो इसीलिए कंपनीज भी क्या कर रही है कि हमारा मेन जॉब क्या है, कोर जॉब क्या है, उसी को हम करते हैं ना भाई साहब, और बाकी चीज़ों को हम क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो एक फोर व्हीलर आप खरीदते हैं तो ये क्या सारा का सारा भाई साहब टाटा नहीं बनाया रहेगा? भाई साहब उसमें जो टायर लगा हुआ है वो किसी दूसरे कंपनी ने बनाया है, उसमें जो सीट कवर लगा हुआ है वो किसी दूसरे कंपनी ने बनाया है, उसमें भाई साहब और भी तमाम जो आपका विंडशील्ड है वो किसी दूसरे कंपनी ने बनाया है। तो इसका मतलब क्या है, क्या पूरा प्रोडक्ट टाटा के अंडर ही मैन्युफैक्चर हुआ है? नहीं, ये सारी चीज़ें आउटसोर्स की हैं। टाटा बोल रहे हैं कि भाई साहब हम क्यों बनाए टायर्स, क्यों बनाने जाए हम, ठीक है, वी आर इन टू कोर बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मे बी फोर व्हीलर्स, वाई शुड वी गो इन टू टायर बिजनेस, भाई साहब फिर से अलग यूनिट सेटअप करेंगे क्या? नहीं, तो दे विल आउटसोर्स, ये सारा आपका आउटसोर्सिंग है। हाँ, टायर बन के आ गया, फिट कराना हमारा काम है, हम उसको फिट कर देंगे, आपका विंडशील्ड बन के आ गया उसको लगा देंगे हम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में वो नहीं जाएगा, मेन बॉडी इंजन ये सब शायद टाटा बनाएगा, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें जो है तो आउटसोर्स होगी, सीट कवर वगैरह वो सब आउटसोर्स होगी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो हर एक प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे तो आउटसोर्सिंग में आपको क्या ही लगता होगा कि जो कोलगेट का ट्यूब है वो ट्यूब भी और कोलगेट ही बनाता होगा क्या? नहीं, कोलगेट विल बी मेन टू मैन्युफैक्चरिंग द पेस्ट, द ट्यूब इज गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड बाय समबडी एल्स, वो भाई साहब आउटसोर्स होकर आ रहा है। क्लियर है, अभी क्लियर अंडर सम पीपल। तो आउटसोर्सिंग क्या होती है कि भाई साहब आप मेन कोर बिजनेस पे रखते हैं और ये सारी चीज़ें भाई साहब आप आउटसोर्स कर देते हैं, जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनको आपने आउटसोर्स कर दिया। हर चीज़ की जो पैकेजिंग होती है जनरली वो आउटसोर्सिंग होती है। आपने कोई मेडिसिन बना जो बॉटल में आएगा वो कोई और बना रहा है, आपने सिर्फ मेडिसिन बना के छोड़ दिया, आपने भाई साहब कोई टैबलेट बनाया उसकी पैकेजिंग कहीं और हो रही है, तो ये आपका आउटसोर्सिंग, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग, ठीक है। Is the process of contracting a business function or a specific business activity to a specialized agency. The advantages and disadvantages of outsourcing can be explained. क्या क्या advantages हो सकते हैं भाई साहब? You can focus on your core job. आपका जो core job है उसमें ही focus करना है। तो आपको समझ लो अगर टाटा से और हम लोग फोर व्हीलर बना रहे हैं, कल को उनको बोल दिया गया कि भाई साहब टायर भी आप बनाएंगे, सीट कवर भी आप बनाएंगे, तो वहाँ के इंजीनियर परेशान हो जाएंगे, वैसे ये हमारा क्या हो गया, अभी हम टायर बनाएं, अभी हम भाई साहब सीट कवर बनाएं, हम अगर सिर्फ इंजन और बॉडी बनाएं तो उसमें हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट अगर करेंगे तो हम ज़्यादा आउटपुट दे सकेंगे, उसको और इम्प्रूव कर सकेंगे, लेकिन अगर आपको टायर भी बनाना पड़े और सीट कवर भी बनाना पड़े तो हमारा एफिशिएंसी गिर जाएगा,
ठीक है. सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एक्सेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज. ठीक है, तो आपका भाई साहब प्रोफेशनल एक्सपर्ट और हाई क्वालिटी सर्विसेज होते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं वो उस काम के लिए ही एक्सपर्ट होते हैं. समझ में आ रहा है? अगर कोई कंपनी में आप करते हैं काम और आपसे अकाउंटिंग का काम भी करवाया जा रहा है, मार्केटिंग का काम भी करवाया जा रहा है, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा भी आपसे करवाया जा रहा है, तो आप किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे. तो आपका जो अकाउंटेंट होगा वो अकाउंटेंसी का काम करेगा, जो भाई साहब आपका मार्केटिंग का काम संभालेगा वो मार्केटिंग का, जो लॉजिस्टिक्स का वो लॉजिस्टिक्स का, हर डोमेन में एक एक्सपर्ट रहेगा, तब एफिशिएंटली वो काम हो पाएगा. ठीक है, सो एक्सेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज. जितना आप भाई साहब स्पेशलाइजेशन इस तरीके के करते हो, इससे क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल सर्विसेज हो जाएंगी और एक्सपर्ट्स को हम इन्वॉल्व करेंगे. लो मैन पावर कॉस्ट, इसमें भाई साहब लो मैन पावर कॉस्ट होगा. सारा तमाम चीज अगर आप करेंगे भाई साहब तो आपको मैन पावर भी ज्यादा लगेगा. जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, और अगर टायर भी बना रहे हैं, सीट कवर भी बना रहे हैं, ये सारा चीज भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा एम्प्लॉयज लगेंगे. ज्यादा एम्प्लॉयज लगेंगे भाई साहब, आपकी भीड़ बढ़ेगी और उस भीड़ को मैनेज करना भाई साहब प्रॉब्लम होगा. ठीक है, लो मैन पावर कॉस्ट स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स. तो अगर भाई साहब आपका आप सही चीज के लिए सही एम्प्लॉयमेंट करें, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स. क्यों एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है भाई साहब? देखो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टाटास, और उन लोग कार बना रहे हैं. ठीक है, तो मुझे, मैं क्या हूँ, एक सीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैंने डाल दी और मैं उनके पास गया, आपके जितने भी सीट है मैं बनाकर दूंगा आपके डिजाइन के मुताबिक. ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या हुआ, एक एंटरप्रेन्योर हुआ, मैं उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा हूँ. वरना अगर वो वही चीज़ खुद ही भी बनाते तो उनका मैन पावर कॉस्ट भी बढ़ता और एंटरप्रेन्योरशिप इंकरेज नहीं हो पाता. ठीक है, तो जितने भी कंपनीज आपके सेटअप होते हैं उन कंपनीज के साथ साथ दूसरे कंपनीज भी सेटअप होने लगते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ावा पाती है, क्योंकि सब कंपनीज को मालूम है कि सारा सब कुछ वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती. सारा सब कुछ अगर वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती तो हम इसको सेटअप कर लेंगे. ठीक है, एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेता हूँ, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, उनके आसपास देखोगे कुछ ज़ेरॉक्स सेंटर्स होते हैं, और ये ज़ेरॉक्स सेंटर्स धमाल धमाल करते हैं जब एग्जामिनेशन आते हैं. एग्जामिनेशन में इनको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये भाई साहब रात के 2-3 बजे तक नोट्स सप्लाई करते हैं. ज़ेरॉक्स कॉपी इनका रहता है भाई साहब धड़ाधड़. ठीक है, ये नोट्स इनको सप्लाई होता है. ठीक है, ये ज़ेरॉक्स कंपनी वाले वहाँ पर खोल के रखते हैं और धड़ाधड़ सप्लाई करते हैं. तो ये क्या हो रहा है कि अगर यही चीज भाई साहब प्रोफेसर्स करते थे तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है ना. सो ये सब आउटसोर्स है. ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेजेस, देखिए कॉस्ट का एडवांटेज है, आप इतना बड़ा सब कुछ एक ही उसमें करेंगे तो आपका मैन पावर भी ज़्यादा जाएगा, आपको एरिया की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ये सारा सब कुछ हो जाएगा. ठीक है, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, आपका भाई साहब इन्वेस्टमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है. इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, तो आपका एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भाई साहब इंक्रीज होता है. शेयरिंग ऑफ नॉलेज, काफ़ी सारा नॉलेज शेयर होता है. ठीक है, एम्फसिस ऑन कोर प्रोसेसेस रादर देन सपोर्टिंग वंस, तो आप कोर प्रोसेसेस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ये आपका कोर जॉब है, इस चीज का प्रोडक्शन आपका कोर जॉब है, ना कि भाई साहब उसके पैकेजिंग. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच आर बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग. प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज, मोस्टली द टास्क आर आउटसोर्स टू थर्ड पार्टीज हु आर स्किल्ड इन दैट स्पेसिफिक फील्ड. तो हमने अपना काम, जैसे मैंने बताया कि भाई साहब की शादी हो रही है तो इनके घर में होंगे शायद बहुत अच्छे खाना बनाने वाले, लेकिन जो केटरर्स हैं वो वही काम 24 घंटा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो खाना बनाने का टेक्निक या स्किल सेट होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना. ठीक है, सो दैट विल बी बेटर, और वो मास मतलब बहुत ज़्यादा परिमाण में करते हैं, तो इट्स विल बी बेटर. थर्ड पार्टीज हु आर स्किल्ड इन दैट स्पेसिफिक फील्ड. ठीक है, दिस अलाउ द आउटसोर्सिंग मोस्ट कंपनीज टू हैव एक्सेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज विथ फ्यूअर चांसेस ऑफ एरर्स. जब भी आप प्रोफेशनल लोगों को एम्प्लॉय करते हैं तो आपके एरर्स की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं. आप खुद से भाई साहब समझ लो, आप घर में खाना बनाते हैं, 4-5 लोगों का खाना बनाते हैं, अचानक से भाई साहब आपको 100 लोगों का खाना बनाना दिया जाए तो शायद आप बना भी लें, लेकिन तीखा ज़्यादा हो सकता है, खट्टा ज़्यादा हो सकता है, वैसे ये सारे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे, क्योंकि पहली बार आप 100 लोगों का खाना बना रहे हैं. ठीक है, 4-5 लोगों में शायद आपका एरर्स ना हो,
लेकिन जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा आपके एरर के स्कोप भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे इंसान को हायर करूं जो रोज इतना ही बनाता हो, 100-150 का खाना जो रोज बनाता हो, उसके लिए एरर्स का स्कोप कम होगा। उसके लिए उल्टा एरर्स का स्कोप तब बढ़ेगा जब उसको 4-5 लोगों का खाना बनाने दिया जाए, है ना। तो चांसेस ऑफ एरर्स गेट रिड्यूस्ड, देखिए व्हेन यू आउटसोर्स देन द चांसेस ऑफ एरर्स गेट रिड्यूस्ड। जो जिस डोमेन में है वो डोमेन का काम बखूबी निभाएगा, ठीक है। लो मैन पावर कॉस्ट, द मैन पावर कॉस्ट ऑफ एजेंसी इज मच लोअर देन दैट ऑफ द होस्ट कंपनी, ठीक है। मैन पावर कॉस्ट काफी लोअर है, ठीक है, देन दैट ऑफ द होस्ट कंपनी। होस्ट कंपनी से मतलब अगर होस्ट कंपनी ही सीट कवर भी बनाए, सीट बेल्ट भी बनाए और भाई साहब आपका टायर्स भी बनाए, इसका खर्चा बढ़ जाएगा। उल्टा इन चीजों को किसी को आउटसोर्स कर दे तो खर्चा कम होगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज द एजेंसी स्पेशलाइज इन दैट पर्टिकुलर सर्विस। स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप, आपके भाई साहब आउटसोर्स एनकरेजेस, आउटसोर्सिंग जब आप करते हैं तो एंटरप्रेन्योर्स डेवलप होते हैं भाई साहब। एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को उसी जगह पे डेवलप करेंगे जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो रहे हैं और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल करेंगे। एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। ऑल दिस फर्दर, जैसे आप देखोगे ज्यादा करके बड़े बड़े कंपनियों में जहाँ पे समझ लो 500-600 लोग काम कर रहे हैं या 1,000 से 1,000 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे कैफेटेरिया होता है या वहाँ पे कैंटीन होता है। आपको क्या लगता है ये कंपनी के लोग ही कैंटीन रखते हैं? नहीं, ये आउटसोर्स होता है। ये कैंटीन जो है वो ज़्यादा करके आउटसोर्स होते हैं, केटरर्स को आउटसोर्स होते हैं। तो वहाँ पे केटरर्स आके भाई साहब खाना देते हैं, ठीक है, जो भी खाना खरीदने का होता है, दैट इज आउटसोर्स। ऑल ऑफ दिस फर्दर नेशन इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट। तो नेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे समझ लो आपने कोई बहुत बड़ी कंपनी डाली, ठीक है, और आप बैंकिंग में हैं या कोई सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर में हैं, यहाँ पे 1,000 लोग जो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं इनके लिए आपको एक कैंटीन रखना पड़ेगा। इस कैंटीन में आपने केटरर्स को डाल दिया, वो मैनेज करें वैसे, फिर लू रहेगा, वॉशरूम रहेगा, इन सबको मैनेज करने के लिए भाई साहब आपने किसी सुपरवाइजर को रख दिया या किसी यू नो हाउसकीपिंग कंपनी को रख दिया, वो इनको मैनेज करें। तो इस तरह से आपके लोगों को अगर झाड़ू लगाना पड़े या आपके लोगों को अगर इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा तो आप कहाँ कंपनी के कोर जॉब में फोकस कर पाएंगे? यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द कोर जॉब ऑफ द कंपनी। क्या समझ में आ रहा है? दैट इज द पर्पस ऑफ आउटसोर्सिंग, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेजेस, ठीक है, आउटसोर्सिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंपनी। इट ऑल्सो सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स ऑन ट्रेनिंग कॉस्ट। तो ट्रेनिंग कॉस्ट में भी वैसे आपका टाइम एंड एफर्ट कम हो जाता है। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, द कंपनी कैन लेट द आउटसोर्सिंग पार्टनर हैंडल द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो किसी को हाउसकीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसी को फूड का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और कंपनी सीधा अपने कोर जॉब पे फोकस कर रही है, ठीक है। सो दिस इज बाय डूइंग दिस इट सेव्स द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो इससे काफी पैसा बचेगा भी और टाइम भी बचेगा, ठीक है। उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करके कंपनी अपने प्रॉफिट्स को ड्राइव कर सकती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम डेवलप।